Hi, everyone. Good morning. <clears throat> Good morning, everyone. Good morning. Good morning. अप बस बेटा सो के उठे हैं और आप लोग को पढ़ाने के लिए आ गए हैं आप सब बड़ी जल्दी उठ जाते हो क्या बात है अच्छा भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट है बैच के स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इट इज़ शोइंग वेटिंग रूम इेबल्ड वेटिंग रूम आई डोंट नो उसको ठीक करवाती हूँ मैं फ़िलहाल अगर बच्चों तक इन्फॉर्मेशन लग रहा है पहुँची नहीं है अदरवाइज़ वो यहाँ पर आ चुके होते हैं ऑल राइट सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारा लॉ का पहला है है ये ठीक वैसे तो आइडली हम अपने क्लास में अपने बैच में ये सेशन कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं बट आज हम काइंड kind ऑफ of, थोड़ा सा क्विकली उसको वापस से रिकैप करेंगे ठीक है दोस्तों फटाफट से सबको जुड़ जाने दो आ गए सारे के सारे यार अपने ग्रुप पे बता दो प्लीज प्लीज ग्रुप पे बता दो जितने भी बच्चे हैं उनको कोई बात नहीं ऋषभ आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो हम देखते हैं कि क्या इशू हो गया है बट कोई नहीं आ, अभी कुछ दिन तक तो लाइक सेवन डेज तक आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इस क्लास को तो दोस्तों मैं आज आप सभी के साथ एक लॉ का स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कल का अकाउंट्स का देख लिया था कल अकाउंट्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारा वीकली टारगेट क्या होना चाहिए भले आप मुझसे पढ़े हो भले आप मुझसे ना पढ़े हो बट वीकली टारगेट्स हमारे क्या होंगे जिससे कि हम थ्री मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे वैसे अकाउंट्स में जनरली ऑनेस्टली स्पीकिंग तीन महीने से थोड़े से ज्यादा लगेंगे वो मेरा जो सेशन था जो शेड्यूल था वो थ्री मंथ से ज्यादा का था लॉ में हम नेट थ्री मंथ्स में चीजें कंप्लीट कर सकते हैं तो लॉ में सबसे पहले जो दोस्तों मैंने वक्त दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें Uh, तो मैं सबसे पहले वक्त दिया हुआ जो बच्चे चैट पे यहाँ पे हैं वो भी यूट्यूब पे ही देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो बाकी आप यहां पे भी देख सकते हो तो बेसिकली सबसे पहले लॉ की डिटेल स्ट्रैटेजी आज मैं वैसे शेयर करूंगी आप चाहो तो इसकी पिक ले सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम कंपनीज uh, एक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि अप टू ट्वेंटी परसेंट का वेटेज होता है वन एंड हाफ वीक्स में से हमने खत्म करना है राइट right? देन हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुरू करेंगे जो अकेन ट्वेंटी फाइव परसेंट का वेटेज देता है वन एंड हाफ वीक में इससे भी हमने कंप्लीट करना है दोस्तों एल एल पी की बात करें दस परसेंट का वेटेज है एक वीक में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टू एंड हाफ वीक में और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट में हम करेंगे अप टू थर्टी परसेंट वेटेज थ्री वीक्स में सो टेंटेटिवली हमारा टेन से इलेवन वीक्स में लॉ कंप्लीट हो जाने वाला है और ये ये इतना आसान नहीं है देखिये मजेदार बात ये है दोस्तों मजेदार बात क्या है जरा फटाफट से बताना बेटा क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों आज यहां पे ही कर लो मैं अभी पता करवाती हूँ कि क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है जितनी परेशानियां है भाई आन दो आन दो स्टार्टिंग में आने दो सारी परेशानियों को सब सही हो जाएगा ठीक है अभी आप यूट्यूब पे तसल्ली से देखिए और आज मैं बहुत ज्यादा कुछ करवाऊंगी भी नहीं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको ही करवाऊंगी थोड़ा सा हां जी तो हम लोग वीकेंड्स पे लेने वाले हैं वीकेंड पे लेने वाले हैं टेस्ट नहीं पहले रिविजन सेशन ठीक है Uh, मतलब बेसिकली आपको रिविज़न के नोट्स दे ही दिए गए हैं तो या तो मैं आपको एक टारगेट दे दूंगी कि यार सुनो uh, हमारा एक हफ्ते में ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है अब जो है टेस्ट होगा या तो अब सुपर फास्ट रिविजन क्लास में ही होगा और इनके सुपर फास्ट रिविजन आपको खुद से करना है तो मैंने अलग से आपको रिविजन के लिए मॉड्यूल दे दिया है राइट तो वहां पे रिविजन मॉड्यूल खोलिए कंपनीज एक्ट के बाद रिविजन नोट्स झक्कास बने हुए हैं उसको खोलिए है, तैयारी करिए और आइए टेस्ट दीजिए ठीक है तो ये टेंटेटिवली मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ लॉ की डिटेल स्ट्रेटजी के ऊपर अब आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग कंपनीज एक्ट का जो है Uh, करते हैं मैम वाई आर यू टीचिंग इन रिवर्स मैनर ऐसा कुछ रिवर्स मैनर बेटा नहीं है क्या होता है ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरी बात सुनो ये अच्छा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है और काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है तो एक बच्चा जो अभी उसने ज़िंदगी में कभी लॉ नहीं पढ़ा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर से शुरू करेगा ना तमतमा जाएगा बिल्कुल भाई ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में मैंने कहाँ से ले लिया लॉ मैंने कहाँ से ले लिया सी ठीक है बच्चा ऐसे बोलने लगेगा ठीक है और इस वजह से हम कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा कुछ ताल्लुक कोई रिश्ता भी नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का कंपनी से तो आप उसकी टेंशन तो भूल जाएगी मैं हर बैच में यही करती हूं और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है ठीक है ओके तो क्या दोस्तों अब हम स्टार्ट करें चीजें और जिस भी बच्चे को कोर्स परचेज करना है फटाफट -फड़ से कर लो अभी डिस्काउंट चल रहा है वो है ट्रिपल डब्ल्यू डॉट सी ए फाउंडेशन क्लासेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट वहाँ जाकर के आप चीज़ों को कर सकते हैं आइए अब शुरुआत करते हैं ठीक है दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि दिस इज़ दी वेबसाइट आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर आपने नवंबर ट्वेंटी टू में जाना है और नवम्बर ट्वेंटी टू में जा करके आपने अभी देख रहे हो आप हमने फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा का भी डिस्काउंट कर दिया है फिफ्टी परसेंट नहीं भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट कर रखा है और ये हमारा मेरा पर्सनल कॉम्बो है अगर आप लेना चाहें तो ये आपको और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं चीज़ों को आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी मैं आपसे बात कर सकती हूँ मेरे क्लास के बच्चों कुछ बच्चे हैं बड़े लकी जो पता नहीं आज कैसे क्लास में एंटर हो गए आप देख रहे हो तो ऋषिका आप पे बता दो आपको कंपनी सेक्ट का पीडीएफ दिख रहा है भाई कुछ कुछ लकी बच्चे जो क्लास में एंटर हो गए बाकी बच्चों के लिए बोल रहा है कि इनेबल द वेटिंग रूम जबकि कोई भी वेटिंग रूम इनेबल होता ही नहीं है ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी क्लासेस इनिशियल फ्यू क्लासेस कंपनीज एक्ट में पूरा पढ़ा दूंगी सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड माई वे ऑफ टीचिंग कोई है क्या भाई इधर कोई है चलो जी

दोस्तों कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने कल देखा था एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों कल हमने कंपनीज एक्ट में देखा था कि ये जो है इसका ओरिजिन कंपनीज देखो बेसिकली जो आपका अभी तो हम इंट्रोडक्टरी सेशन काइंड ऑफ कर रहे हैं तो आपके लॉ में पांच एक्ट हैं ठीक है ठेके? इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाने वाला है लॉ का जरूर देखिएगा पांच एक्ट्स हैं और ये सभी एक्ट बेसिकली सी ए फाउंडेशन लेवल पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज आप कल को बिजनेस मैन बनोगे आप सी ए बनोगे आप लोगों को बिजनेस के लिए गाइड करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ एवरी यू नो सेल परचेज ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शन एज वेल तो आपको इंस्टीट्यूट फाउंडेशन लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट की बातें सिखाना चाहता है इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये एक पार्ट हो गया आपके कोर्स का लॉ का टुगेदर विद दैट इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप जानो कि कल को आप बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस किस किस फॉर्म में आप कर सकते हैं आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं एच में कर सकते हैं पार्टनरशिप में कर सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कर सकते हो और कंपनीज में तो हम लोगों को कंपनीज और क्या पढ़ना है दोस्तों फटाफट से बताना कंपनीज पढ़ना है हमें हमें पढ़ना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमें पढ़ना है पार्टनरशिप ठीक है तो ये तीन चैप्टर्स हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये तीन चैप्टर्स हो गए और आखिरी बात अगर हम करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक हिस्सा था सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट का भाई आखिर सेल परचेज क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है तो इंस्टीट्यूट ने सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट भी हमको दे दिया सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हट गई थी एक उसका पार्ट निकल करके सोल कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव एक्ट बन गया वो भी इंस्टीट्यूट ने हमें दे दिया तो कल को आप सीए बनने वाले हैं आप को कल को इंटरमीडिएट में फाइनल में जाकर के बेहतरीन खतरनाक कॉर्पोरेट एलिड लॉस पढ़ेंगे उसका जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट है यहाँ पर कवर किया गया है ऑल मैं डेली आपको बताती रहूंगी कि मैं नहीं बिलीव करती कि सब कुछ अभी मैं बता दूँ और किस तरीके से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से आपको रिविजन नोट्स बनाने हैं रिविजन नोट्स में ऑलरेडी दे देती हूं आपको जो आपने लास्ट अटेम्प के मैराथन में देखा होगा किस तरीके से लिखना है राइट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्शंस याद करने के नहीं ये हम हॉले हॉले बात करते रहेंगे ठीक है दोस्तों अच्छा आप जूम से यूट्यूब पे ही आ गए हो अमन ये आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया या फिर आप खुद आए हो अच्छा अच्छा ओके अच्छा, इट okay, ओके 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 स्टडी मटेरियल भी हमारा हमारे कोर्स में प्रोवाइड हो जाता है ठीक है तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले कंपनी साहब की बात कर रहे हैं फटाफट -फड़ से रिकैप कर लेते हैं ऑल दो ये फर्स्ट लेक्चर है बहुत सारे बच्चों के लिए बट uh, हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं आप टेंशन मत दीजिए मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी ठीक है तो बेसिकली हुआ क्या कंपनीज आत करें कंपनीज क्या है आज मुझे कुछ काम करना है आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ वर्क तो मैं कंपनी से स्टार्ट कर सकती हूँ मैं सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकती हूँ लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करने के बहुत सारे आ, दोस्तों क्या है लिमिटेशन्स हैं मेरे क्लास के बच्चे बताएंगे कि क्या 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 लिमिटेशन्स हैं बताइए क्या क्या लिमिटेशन्स हैं स्टार्ट करने के एक सोल प्रोप्राइटरशिप फटाफट से क्लास के बच्चे बताएंगे जो कल पढ़ चुके हैं बताओ अगर आज मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में स्टार्ट कर रही हूँ वॉट आर माई लिमिटेशंस एवरीबडी मैं बहुत ज्यादा उसको स्केल नहीं कर सकती ये राइट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है मेरे बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है पचास लाख की पेनल्टी तो वो मुझे अपने जेब से भरनी पड़ेगी अब भाई हम सी एस ऑन्टरप्रिन नए खून हैं हम ना कुछ काम करना चाहते हैं हमारे अंदर आइडियाज हैं तो दोस्तों हम जब काम करना चाहते हैं तो हम अपने ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते कल को पार्टनरशिप में बच्चा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होने वाली है तो हमने कहा कि सरकार कुछ ऐसा कर दो कि हमारे ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी आए सरकार ने कहा जाओ बेटा जाओ कंपनीज खोल लो आराम से कंपनी फॉर्म में जाकर के अपना तुम बिजनेस कर सकते हो हम तुमको रोकेंगे नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी है तुम अलग कंपनी अलग तो भाई कंपनी बेहद पॉपुलर मोड ऑफ वर्किंग है और ये आप पढ़ोगे मेरे साथ बहुत मजा आएगा ठीक है हाँ जी िटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है ओके okay? तो इंडियन कंपनीज एक्ट आज का नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 आपको लगता होगा कि आज का ही है ये बहुत पहले का है 1913 में था फिर 1956 में चेंज हुआ और कंपनीज एक्ट 2013 आ गया अब मेरा दूसरा सवाल सभी बच्चों से कि कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेकर के आई बताइए क्या है वो दो शब्द जो आपने पढ़े थे कंपनीज एक्ट 2013 आया क्यों मैम जब कंपनीज एक्ट 1913 था 1956 था तो क्यों आया कंपनीज एक्ट 2013 बाबूजी बाबू जी बताइए जरा हमें क्यों आया क्या है वो दो शब्द क्या रिवाइज करके आए हैं बताइए बताइए टू कंसोलिडेट एंड अमेंड क्या बात है यश उत्कर्ष सी एस्पिरेंट निशांत संध्या Consolidate and amend the previous company law. Uh, then we have uh, Sandhya, Aman, great, 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 Saheli, great, great, Saheli, everyone. ड्यू टू चेंज इन नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा आप पहले मेनली ये बोलोगे ना कि 2013 आया चेंज कंसोलडेट और, और अमेंड करने के लिए उसके बाद हम लोग बातें करेंगे ठीक तो है मतलब बच्चों 1956 जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं वो ये देख ले, कि जो 1956 का कंपनी ना बड़ा बूढ़ा हो चुका था आज के वक्त में इतने फ्रॉड होने लग थे, गए थे ऑनलाइन फैसिलिटीज आ गई थी सब चीजें हो रही थी और आप पुराना लॉ चलाओगे तो कहां तक काम कर पाएगा वो ठीक है मैं ऐसा करती हूं कि आई वुड डिक्रीज द साइज ऑफ द फोटो लाइक दिस इज दिस वर्किंग ठीक है जी तो बूढ़ा हो चुका था कंपनीज एक्ट ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया नेशनल इंटरनेशनल सिनारियोस को देखते हुए अपने देश की इकोनॉमिक तरक्की को देखते हुए हमें लगा नहीं भाई नहीं बहुत स्कैंडल्स हो रहे हैं

तो इंस्टीट्यूट ने कहा भैया ऐसा है बीसी के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉज तो अब बच्चा सीए फाउंडेशन में जो आपके जूनियर्स होंगे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉज पढ़ेंगे तो कुछ बेहतर करने के लिए ठीक है अब मैंने ये भी बताया था कि एक, एक जो एक्ट कैसे बनता है कंपनी एक्ट कैसे बनता है तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है लेट सपोज भाई लॉ को लेकर के कोई एक्ट बन रहा है हेल्थ को लेकर के कोई एक्ट बन रहा है तो कंसर्न मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये क्या करते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोज करते हैं उस ड्राफ्ट के ऊपर बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं फॉर एग्जांपल बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द लोकसभा एंड द राज्यसभा वो देखते हैं उस आ, उसको रीडिंग करते हैं देन प्रेसिडेंट के पास जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसमें डीपली नहीं घुस रही हूँ आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट प्रपोज किया उसको हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रीडिंग के लिए डाला गया उस पर पब्लिक कॉमेंट्स आए उसमें चेंजेस किए गए और फाइनली प्रेसिडेंट जब एसेंट दे देते हैं तो वो ड्राफ्ट जो है बिल बन जाता है सिमिलरली आपका जो कंपनीज एक्ट है वो नोटिफाई हुआ था 30 अगस्त 2013 को और ये 2013 वही सन है जो कंपनीज एक्ट के आगे लगा हुआ है और ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट बन गया तो बन गया दोस्तों बताइए कंपनीज एक्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट जो है वो अमेंड हुआ है कि नहीं बहुत बार हुआ है अमेंड है ना 2015 में 16 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रेप्सी कोड आया 2017 में एमेंड हुआ सो बेसिकली उसके नाम के आगे लग जाता है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 ठीक है अब देखा जाए दोस्तों कि फॉर uh, एग्जांपल आपका सीए कोर्स नया आ रहा है तो इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट निकाला ड्राफ्ट को इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले क्या किया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स अपने स्टूडेंट्स को बांटा बोला कि भाई इस पे ये जो ड्राफ्ट है जो हम लोग प्रपोजल कर रहे हैं न्यू कोर्स का न्यू सिलेबस का सब्जेक्ट्स का जरा इस पे अपने क्रिटिक्स अपने ओपिनियंस दीजिए राइट तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने फर्स्टली ड्राफ्ट को पब्लिक को डालना होता है यू नहीं की सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है अरे भैया कल से ये वाला कानून लग गया नहीं सबका साथ सबका विकास ठीक है दोस्तों बेटा एसेंट का मतलब होता है हामी हाँ मैं बोल रही हूँ हाँ क्लास होगी आई एम एसेंटिंग टू इट ठीक है अभी ये सब कुछ भी नहीं है तो बेसिकली हम लोगों ने कल ये देख लिया था फटाफट -फड़ से क्विकली रिवाइज करते हैं वैसे हम रोज रिविजन आज सच नहीं करेंगे सो कंपनी दो 2013 का आगमन हुआ था कंसोलिडेट करने के लिए जो छितर बितर प्रोविजन पड़े हुए थे उनको कंसोलिडेट करने के लिए स्ट्रक्चर करने के लिए और पुराने बूढ़े कंपनी एक्ट 1956 को अमेंड करने के लिए क्योंकि कोई उसको बुद्धू बना के भाग जा रहा था ठीक है लोग लूप होल्स निकाल के फ्रॉड कर ले रहे थे तो दोस्तों हमारा देश हमारा जो देश है उस वो इंटरनेशनली अब काम करने लग गया था तो अब बेसिकली हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट देश का ग्रो कर रहा था इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया 1956 को 13 से कंपनीज़ एक्ट 2013 में याद रखिएगा दोस्तों कितने शेड्यूल हैं बताना फटाफट फड़ से कितने शेड्यूल हैं वी हैव फटाफट से सोचो कितने शेड्यूल हैं कितने सेक्शन हैं कितने चैप्टर्स हैं एवरीबडी हमारे पास सात शेड्यूल है 470 सेक्शंस हैं देखो हमारे पास पहली बात तो सात शेड्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल बच्चों आप लोग अपनी किताब खोलते हैं तो किताब में चैप्टर होते हैं मॉड्यूल होता है अकाउंट्स में मॉड्यूल वन है मॉड्यूल टू है फिर चैप्टर्स है फिर उसके अंदर टॉपिक है सिमिलरली जो एक्ट होता है उसमें शेड्यूल्स होते हैं अलग अलग फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल कोई शेड्यूल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बताता है कोई शेड्यूल बोर्ड रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बताता है कोई शेड्यूल एनुअल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बताता है कोई कुछ कोई कुछ तो आपके पास सात शेड्यूल है ट्वेंटी नाइन चैप्टर है अरे भैया चैप्टर इसका नहीं बोल रही हूं कि आपके बुक में चैप्टर है ट्वेंटी आपके कंपनीज एक्ट में है और चार सौ सत्तर सेक्शन है भाई साहब क्या बात है सब बच्चे पढ़ाई करके आए हैं ना सुबह सुबह क्या मजा दे रहा है ना आप लोग बोलो तो और सुबह कर दू मैं क्लास बताना जरा और सुबह कर दू क्या आप लोग को कॉलेज वॉलेज जाना होता है आप लोग कहो तो मैं छह बजे क्लास कर दू चलेगा पूरा दिन कितना एनर्जेटिक फील होगा ना कि यार हमने जो है ना दो घंटे की क्लास ऑलरेडी कर ली है ना चार बजे नहीं यार माफ करो थोड़ा सा मैं तो कैसे कैसे आज उठी हूं क्लास में हम लोग बात करेंगे जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था अगर आप लोग चाहो तो मॉर्निंग में क्लास कर सकते इसी बहाने आप और हम जैसे नालायक बच्चे उठ जाएंगे है कि नहीं और बेटा बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है भले मैं YouTube पे पूरी क्लास नहीं करूंगी बट मैं YouTube के बच्चों के साथ भी आखिरी तक रहती हूँ ठीक है क्योंकि हम टीचर्स मेहनत कर रहे हैं दिस इज आवर सोल मीन्स ऑफ अर्निंग तो हम कुछ तो चार्ज करेंगे आप लोग सी बनने के बाद फ्री में तो सब कुछ करोगे नहीं सो वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ आर थिंग्स एंड फॉर दैट स्मॉल फीस आई मतलब वॉट एवर आई चार्ज स्मॉलेस्ट फीस आई चार्ज इन द मार्केट मैं आपको अपनी जान भी दे देती हूँ राइट right? आप देख लोगे कि मेरी मेहनत क्या है आप लोगों के साथ धीमे धीमे समझ में आ जाएगा एनी anyway, वे बाकी आगे बात करते हैं ठीक है अगर आप लोग छह बजे के लिए तैयार हो जाओगे तो छह बजे का एक पोल कंडक्ट कर लेते हैं अपने डिस्कशन फोरम पे ठीक है तो दोस्तों अब कंपनीज एक्ट कितनी नई बातें लेकर के आया पांच नई चीजें कंपनीज एक्ट 2013 जो आया तो पांच नई बातें लेकर के आया क्या आपको याद हो चुका है बच्चों कॉर्पोरेट गवर्नेंस माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्ट्रेंथन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिंप्लीफाई द प्रोविजन क्लास सूट एक्शन और विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना याद है ना दोस्तों ठीक है तो फटाफट से बताती हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है कि यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी को गवर्न करना टफ कर दिया गया है पहले स्कैंडल्स होते थे अब इतने सारे फॉर्म निकाल दिए इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन निकाल दिया कंपनी एक्ट दो हजार तेरह में भाई साहब कि जानना चा, चाहते हुए भी कोई कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता अब गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है डायरेक्टर को क्या करना है कैसे करना है कैसे रिपोर्टिंग करनी है सब एकदम फिट हो गया तो कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो फाइव बातें लेकर के आया पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है सिंप्लीफाइड द रेगुलेशन रेगुलशन को सिंपल कर दिया अब आप बोलोगे मैम आप तो कह रहे हो टफ हो गया बेटा एक्ट कानून टफ हो गया रेगुलेशन सिंपल हो गई हैं दूसरी हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का मतलब सपोज कि एक कंपनी है उसके फैमिली मेंबर्स नहीं नाइनटी फाइव परसेंट शेयर होल्ड कर रखे हैं हम जैसे गरीब लोगों के पास सिर्फ पांच परसेंट शेयर है तो हमारी तो बातें सुनी ही नहीं जाएंगी कल को डिसीजन होगा तो हमारी बातें तो सुनी नहीं जाएगी आपकी बातें भी अब सुनी जाएंगी ठीक है माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको भी इज्जत दी जाएगी नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विसल ब्लोअर्स के रोल को बढ़ा दिया गया है बेटा विसल ब्लोअर क्या होता है कल मैंने बताया था आप लोगों को विसल ब्लोअर का मतलब आपके कॉलोनी में जो सीटी मारता है कौन जो जागते रहो जागते रहो करता है, है ना क्या बोलते हैं उसको गार्ड बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड है ना तो ऐसे लेट सपोज कोई बंदा है फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में काम कर रही हूं और मुझे लगता है कि यार ये कंपनी ना फ्रॉड कर रही है ये अग्रिका मैडम की कंपनी अग्रिका मैम फ्रॉड कर रही है तो मैंने जाके कोर्ट को बता दिया अब यार वो लोग मेरे को छोड़ेंगे मेरा तो एसासनेशन कर देंगे मर्डर कर देंगे वो लोग या फिर मेरे को जॉब से निकाल देंगे तो ऐसे विसल ब्लोअर जो कि गलत चीजें जो हो रही है उसके अगेंस्ट सीटी बजा रहे हैं लोगों को अलार्म कर रहे हैं ऐसे लोगों को कानून कहेगा कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है आओ 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 आराम से बताओ तुम्हें जो बताना है तुमने जो अपनी नजरों से देखा है सब बताओ हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे कौन से लेवल की सिक्योरिटी देंगे जो कंगना रनौत को मिलती है, है ना पता है आप लोगों को किस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है कंगना रनौत जी को जिस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है कंपनी उसी लेवल की सिक्योरिटी देगा हर अपने विसल ब्लूवर कोबाउट फ्रॉग्स टू रेगुलेटरी बॉडी बेटा बाकी बातें जो है हम पढ़ने की बात करेंगे ठीक है तो कल को तुम लोग विसल बनते हो तुमको भी यही वाली सिक्योरिटी देंगे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे मस्ती करते करते तुम लोग को पूरा लॉ याद करवा दूंगी और नेक्स्ट है क्लास सूट एक्शन तो क्लास एक्शन पांचवी चीज आई बच्चों अगर कल आपने मिस कर दिया था सुन लो क्लास एक्शन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल तुम लोग मेरे क्लास के बच्चे हो तुम लोग कह रहे हो देखो तो मैम की क्लास ही नहीं चल रही है ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसी वाली बात कर कर तुम लोगों ने सब कुछ जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर के कंप्लेन करना शुरू कर दिया वो परेशान हो गए उन्होंने कहा बाप रे बाप सौ बच्चे एक ही बात कंप्लेन लेकर के ऐसा करो भैया क्लास बना लो और क्लास एक्शन स्यू करो साथ में मिल करके एक चीज को लेकर के एक चीज का स्यू करो सारे बच्चे करके एक प्रॉब्लम के लिए एक उसको बोलते है, में बहुत कम, है। अभी basically बहुत कम कवर्ड है आप इंटर में भी पढ़ोगे आप फाइनल में भी पढ़ोगे ठीक है तो बहुत छोटा सा पोर्शन दिया गया है अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल ग्रुप प्रॉब्लम्स और ग्रुप स्यू करेंगे तो बातें बातें समझ में आ गई आपको ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आज कितनी देर चला दे बताओ आज कितनी देर उड़ा दे आपकी क्लास मजा आ जाएगा अभी तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें तेरा किस पे है? Course, पे है। अरे बेटा कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है सुनो जो दादाजी की कंपनी थी कम्पनी 1956 की, उस पर भी एप्लीकेबल है ऐसा थोड़ी ना है कि नया आ गया पुरानी कंपनी बंद हो गई अरे भैया वो लोग जीरा मुश्किल कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसके ऊपर भी अब ये कानून लगेगा और जो नई कंपनी खुली हुई है जो कंपनीज एक्ट अभी खुली उनके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा टुगेदर विद दैट दोस्तों कुछ हाई लेवल की कंपनी होती है, कौन होती है वो company, right? Maan, देखो बेटा बिग कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी नहीं है बिग कंपनी का मतलब मेरा निमोनिक्स है बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जेनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बी आई जी, ये कंपनी तो मैम इनके ऊपर मुझे तो ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके ऊपर तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट लगता होगा जो बैंकिंग कंपनी है वो उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता होगा तो क्या उसके ऊपर कंपनी एक्ट भी लगेगा तो देखो उसके ऊपर दोनों एक्ट लगेगा है तो कंपनी ना उसके बाद वो बड़ी कंपनी बन गई और इतनी बड़ी कंपनी बन गई इतनी बड़ी कंपनी बन गई बैंकिंग कंपनी कि उसका खुद का कानून बन गया क्या लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों वो बताती है कि इंश्योरेंस कैसे कलेक्ट करना है कितना कलेक्ट करना है किसी के लाइफ के ऊपर कितना इंश्योरेंस प्रीमियम होगा कार के ऊपर इंश्योरेंस तो ये सारी बातें इर्डा एक्ट में लिखी हुई हैं तो इर्डा एक्ट और कंपनी एक्ट दोनों लगेगा लेकिन वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए ठीक है तो वापस से बताती हूं कंपनी एक्ट ऊपर लगेगा पुरानी कंपनी दादाजी की कंपनी कंपनी एक्ट 1956 पे लगेगा नई कंपनी कंपनीज एक्ट 13 में जो इनकॉपरेट हुई उसके ऊपर तो ऑफिस ही लगेगा कुछ बड़ी-बड़ी कंपनी बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा एक्सेप्ट दैट

इंश्योरेंस एक्ट वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसने कुछ और बातें बताई तो तुम सबसे पहले किसकी बात मानोगे बताओ कल को तुम काम करने जाते हो कॉलेज में जाते हो तुम्हारे टीचर्स तुमको गाइड कर रहे हैं तो तुम टीचर्स की बात मानते हो राइट तो तुम उस टाइम मम्मी की बात नहीं मानते हो मम्मी से बोलते हो क्या मम्मी छोड़ो ना हमारे टीचर ने कहा है तो तुम उनकी बात मानते हो तो इंश्योरेंस कंपनी अपने इर्डा एक्ट की बात मानेगा बैंकिंग कंपनी अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मानेगा और सेव इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ठीक है और अगर प्रोविजन इनकेंट नहीं है तो आप Companies act की बात मान लोगे ठीक है एवरीबडी बच्चे किसी की नहीं सुनते बसने सुनना पड़ेगा तो ये हो गई बातें चार बातें हो गई टुगेदर विद दो और अलग बातें हैं दो अलग बातें मैं एक साथ कवर करती हूं लेट सपोज कुछ वक्त के लिए किसी स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी बनाई गई फॉर एग्जाम्पल सपोज इलेक्शन आ रहा है इलेक्शन के पैसे आएंगे इलेक्शन के पैसे को मैनेज करना पड़ेगा उसके लिए कुछ कार वगैरह खरीदनी पड़ेगी असेट खरीदने पड़ेंगे खर्चा पानी होगा उसके लिए एक अलग से टाइम फॉर द टाइम बिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इलेक्शन की कंपनी बना दी अब उस वो कंपनी सिर्फ तब तक चल रही है जब तक इलेक्शन है उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी तो उसके ऊपर भी कंपनी आंख लगेगा टुगेदर विद दैट ये क्या बात हुई सच बॉडी कॉपरेट विच आर इन कॉपरेटेड बाय द एक्ट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम बींग के लिए सपोज कोविड आ गया कोविड के वक्त पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन करने हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से कंपनी बना दी ठीक है तो उसके ऊपर लगेगा और आखिरी बात मेरे प्यारे बच्चों आखिरी बात एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट ठीक है इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज कॉम्पिटिशन एक्ट है लेट सपोज इंडियन पीनल कोड है कोड है कोई दूसरी एक्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया उसने कहा कि यार मुझे कुछ वक्त के लिए कंपनी बनानी है तो उसके ऊपर भी लग जाएगा तो अगर टाइम बीइंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बनाई है या फिर किसी दूसरी एक्ट ने अपने काम पूरे करने के लिए कोई कंपनी बनाई है उसके ऊपर भी कंपनी एक्ट लग जाएगा अब हम दोस्तों बात करें कंपनी के मीनिंग की कंपनी की मीनिंग क्या होती है ठीक है बेटा वेबसाइट पे क्लास में आज कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है इसलिए हम लोग यहां पे कर रहे हैं इसको आज मैं टीम से इसको पता करवाती हूँ कि क्या हुआ है ठीक है आपसे नहीं होगा ओके okay, तो कंपनीज किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो कंपनी की डेफिनेशन कितने लोगों ने दी है बच्चे फटाफट से बताएंगे कंपनी की डेफिनेशन हम लोगों को कितने लोगों ने दी हुई है फटाफट क्लास के बच्चे फटाफट से बताएंगे कंपनी की डेफिनेशन हमें कितने लोगों ने दी है बताइए फटाफट से आंसर आना चाहिए तीन तीन क्या बात है यश सी एस्पिरेंट सी एस्पिरेंट तुम्हारा असली नाम क्या है संध्या जसप्रीत सी एस्पिरेंट प्रिंस अमन रिलैक्स माइंड क्या बात है इतने सारे बच्चों ने आंसर दे दिया हां जी तो यश ने तो आंसर भी दे दिया यश सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त मार्शल हैनी और एक्ट ने मार्शल हैनी और एक्ट ने क्या बात है साहिल संध्या सबने बता दिया तो देखो यार सबसे पहले हम लोग तो एक्ट के पास जाएंगे एक्ट कौन है एक्ट मम्मी जी हैं तो हमने कहा मम्मी जी मम्मी जी जरा अपने बच्चे के बारे में बताना हे कंपनी एक्ट तुम जरा अपने बच्चे कंपनी के बारे में बताना कि तुम्हारा कंपनी कैसा है मतलब तो तो एक होता है ना टीचर्स पूछते हैं कि जरा पेरेंट्स आप अपने बच्चों के बारे में बताया बताइए तो ये जो कंपनी एक्ट है ये चुप रही मम्मी जी चुप रही मम्मी ने बोला ज्यादा अपने बच्चे के बारे में बताया नहीं तो अगर हम कंपनी एक्ट से मम्मी जी से कंपनी के बारे में पूछने गए तो उसने बोला कंपनी इज नथिंग एज पर सेक्शन टू सबसे ट्वेंटी कंपनी मीनस कंपनी इनकॉपरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी इनकॉपोरेटेड अंडर प्रीवियस लॉ वाह भाई वाह हमको तो मजा ही आ गया इतनी बकवास डेफिनेशन so, तो आप लिखोगे एज पर सेक्शन टू सबसे कंपनी इनकॉपोरेटेड अंडर दिस एक्ट कंपनीस कंपनी लॉ कुछ मजा आया एकदम उल्लू बना दिया इसने हम लोग अरे यार मम्मी जी तो बच्चों के बारे में कुछ बताई नहीं है डिस्कलोज ही नहीं करी है सोच रही है नजर लग जाएगा मेरे बच्चे का इतना अच्छा अच्छा फीचर हमको पता चलेगा है ना तो आगे गए देखो बेटा ये सब स्टोरी मैं इसलिए बताती हूं अभी आप लोग को थोड़ा टाइम लग रहा है धीमे धीमे एकदम स्पीड में स्टोरी भी आप लोग समझ जाओगे स्टोरी से होता क्या है ना कि आपके दिमाग में बैठ जाती है चीजें अब जैसे ही आप लोग एक हफ्ते बाद भी सोचोगे ना कि यार कंपनी की मीनिंग क्या होती है तो आपको याद हो जाएगा अच्छा कंपनी की मीनिंग तो तीन लोगों ने बताई थी ठीक है तो ऐसे स्टोरी आप लोग को समझ आती है

उसने बोला चीफ जस्टिस मार्शलर ने बोला जो योर ऑनर होते योर ऑनर होते हैं ना अभी सुबह सुबह यार मुंह भी नहीं खुल रहा है योर ऑनर होने उन्होंने कहा कि कंपनी इज इज अ कॉरपोरेशन एन आर्टिफिशियल बींग वो बोलते हैं कि सुनो यार कंपनी जो है ना असली में नहीं है कंपनी आर्टिफिशियल है कंपनी इनविजिबल है दिख नहीं सकती है अब आप बोलोगे मैम दिख तो रहा है बिल्डिंग है अरे बेटा ये बिल्डिंग कंपनी थोड़ी ना बिल्डिंग तो शिफ्ट हो जाएगी ये सिर्फ पेपर पे है तो कंपनी आर्टिफिशियल है वो जो चीफ जस्टिस मार्शल थे वो लग रहा है फूक के बैठे हुए थे वो अपना जो है एक से एक बातें बोल रहे थे कंपनी 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 कुछ नहीं है में है ऑफ में हमारे सोच में है कंपनी इनविजिबल है दिखती नहीं है है ना जैसे प्यार के बारे में पोयम लिख रहे हो ये इंटेंजिबल है इसको टच नहीं कर सकते ये सिर्फ और सिर्फ कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ में चल रहा है यानी कि लॉ के थॉट्स में चल रहा है आपने कहा वाह वाह क्या उच्च विचार है आपने तो एकदम पोयम बना दी है ना ये सिर्फ क्रिएशन ऑफ लॉ है फूक के बैठे हुए थे है ना उन्होंने दे, देखो ना, ना इनकी डेफिनेशन कैसी है कंपनी कुछ नहीं है कंपनी आर्टिफिशियल है ना दिखती है ना सुनाई देती है ना उसको छू सकते हैं सिर्फ वो मेरे महज दिमाग में है ठीक है हम लोगों ने कहा अरे यार ये तो फूक के बैठे हैं पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लेकिन इन्होंने एक और बात बोली लेकिन बोला सुनो इधर आओ मुझे इतने हल्के में मतलब मैं चीफ जस्टिस मार्शल हूं भले ये क्रिएशन ऑफ लॉ ये बेसिकली क्रिएशन ऑफ लॉ है इसको मां के पेट से जन्म नहीं मिला हुआ है इसको लॉ के पेट से जन्म मिला हुआ है ठीक है तो इसके पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कहां लिखी हुई हैं इसके चार्टर में लिखी हुई हैं वो फूक के बैठे थे उन्होंने कहा सुनो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हल्के में मत लेना इसकी जो प्रॉपर्टीज है लिखी हुई है, में चार्टर क्या होता है? तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो राइट यू गोरा बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तुम जो अकाउंटेंट बनोगे हल्के लेवल के अकाउंटेंट नहीं बनोगे तुम वो काम करोगे जो तुम्हारे चार्टर में लिखा हुआ है सिमिलरली कंपनी सिंस देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बींग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ तो तो है 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 नहीं का ये ना इसके इसके पास वो होंगी जो में लिखी हुई क्या कानून कानून ठीक अब हम लोगों ने बोला अरे भैया इससे भी ज्यादा मजा तो नहीं आया चलो अब आखिरी उम्मीद है टीचर के पास चलते हैं अग्रिका मैम के पास चलते हैं मेरा नाम था प्रोफेसर हैनी मेरा नाम मैं उस वक्त में 2013 में मैं प्रोफेसर हैनी हुआ करती थी मैंने कहा सुनो मैं बताती हूं तुम लोग की ये जो प्यास है ना कंपनी एक्ट के बारे में जानने की मैं उसको बुझाऊंगी देखो भाई कंपनी क्या होती है मैंने ही मैंने ही फिर ढंग से बताया कंपनी मींस अ कंपनी इन इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील आपने कहा अब मजा आया अब मजा आया भाई साहब एक आदमी तो बता ही नहीं रहा था एक आदमी तो पता नहीं फूक के बैठा था क्या क्या बोल रहा था अब मैम ने सही से हमें बताया है तो अच्छा ये बात है तो कंपनी सबसे पहले एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है यानी कि एक इंसान से तो होगा नहीं वैसे अब तो वन परसेंट कंपनी भी आ गया है तो एसोसिएशन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इनकॉरपोरेट हुए हैं बेटा इनकॉर्पोरेट शब्द हमेशा याद रखना आपका जन्म हुआ है यू आर बॉर्न बट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड राइट

तो बेसिकली कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है कंपनी अपने नाम से जो है क्या कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट uh, कर सकती है सेल कर सकती है परचेज कर सकती है एम्प्लॉई हायर कर सकती है सब कुछ कर सकती है बिल्डिंग खरीद सकती है अपना एड्रेस चेंज कर सकती है भाई साहब जो जो तुम नहीं कर सकते वो कंपनी कर सकती है जेल भी नहीं जा सकती है ठीक है और दूसरा उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है कंपनी अलग ओनर अलग कंपनी अलग मेंबर अलग कंपनी अलग डायरेक्टर अलग सब अलग कंपनी अलग इसका एटीट्यूड है बॉस इसका परपेचुअल सक्सेशन है तुमने कंपनी खोली थी कल को तुम मर जाओ तुम्हारे घर के सब लोग चले जाएं ऊपर लेकिन कंपनी चलती रहेगी मैंने कल रिलायंस का एग्जाम्पल दिया था ऑल दो हैनी जी ने सब कुछ बताया है इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और कॉमन सील होता है भाई तुम इतने बड़े बड़े काम करोगे तो तुमको साइन तो करना पड़ेगा ना तो साइन की जगह भाई कंपनी का हाथ तो है नहीं तो उसका ठप्पा होता है कॉमन सील अग्रिका मैम को हेलो भी नहीं कर सकती या आपने क्या बोला है कि खाना नहीं खा सकती हाँ मैम वॉट अबाउट मर्जर मतलब ठीक है तो ये फीचर्स हैनी जी ने मेरा नाम मत लिखकर क्या जाना हैनी ने बताया है अग्रिका ने नहीं बताया है, हैनी ने बताया है, है, है सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन लिमिटेड लाइबिलिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन

ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप हिंदू अनडिवाइड फैमिली पार्टनरशिप सबको तुम अलग रखो और कंपनी और एलएलपी को अलग रखो अब देखो एलएलपी जो है ना कंपनी का बच्चा है उसको हम लोग कंपनी के बाद पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि सारी ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ कंपनी एक तरफ मैम क्यों क्योंकि कंपनी का एक एकदम मम्मिया खतरनाक सा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी तुम चाहे कितना भी फ्रॉड तुम फ्रॉड नहीं तुम चाहे कितनी भी गलती कर लो कितनी भी तुम्हारे ऊपर पेनल्टी आ जाए तुम ओनर क्यों ना हो तुम हंड्रेड शेयर होल्डर क्यों ना हो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी कंपनी देगी लाइबिलिटी अपने एसेट में से कंपनी देगी लाइबिलिटी अब मैम एक बात बताओ आप बोल तो रही हो मान लेते हैं मैम आपने कंपनी खोली जिसके 100 करोड़ के एसेट थे और उसके ऊपर 500 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई कोई फ्रॉड नहीं था 500 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई अब आप लोग बताइए जरा अब आप लोग बताइए 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 ये 400 का जो घाटा हुआ है क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर अपने जेब से देगा कौन देगा बताइए ये आपने कंपनी खोली थी 500 सौ के करोड़ की पेनल्टी आ गई 100 करोड़ का असट था 100 करोड़ तो भैया ने पड़ गया 400 करोड़ का क्या किया जाए अब देखते बच्चे क्या बोलते हैं कंपनी देगी है। क्या 400 करोड़ हम बोल सकते हैं कि अगर एक भी असेट नहीं बचा हुआ है तो क्या 400 करोड़ डूब गए या फिर अब ओनर के पास आया जाएगा बताइए राइट right. कोई भी नहीं देगा यार कोई भी नहीं दे पाएगा वो गए डूब गए पैसे भाई हाँ डूबे ठीक है सब लोग आएंगे हाँ डूबे हाँ डूबे ठीक है पैसे डूब गए <laughs> ओके वो डूब गए भाई गए 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 लेकिन 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 है ना लेकिन अगर तुम अनलिमिटेड कंपनी थे अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत टाइप के कंपनी uh, होती हैं अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड कंपनी में हाँ डूबे हाँ डूबे तुम नहीं गा सकते हो तुम्हारे घर पे आएंगे और वो गाएंगे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है आपने कुछ गोलमाल किया है और आपके घर पे आकर के भी आपसे जितना आपने गारंटी दिया था ना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी उतना गारंटी का अमाउंट आपसे लेंगे ठीक है ये सब आप लोग को पढ़ाऊंगी अभी मैं ओके सो बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है यानी कि ये जो बंदा है जिस दिन तुमने कंपनी को इनकॉपरेट किया तुम लोग अलग हो गए कंपनी अलग हो गई अब कंपनी अपना काम खुद देखेगी कंपनी एक लीगल लीगल पर्सनालिटी है ठीक है कंपनी जो है एक लीगल पर्सनालिटी है खुद की उसकी पर्सनालिटी है उसके पास वो सारे राइट एंड पावर है जो एक ह्यूमन बींग के पास है वो सेपरेट है अपने मेंबर्स से उसका खुद का प्रॉपर्टी हो सकता है खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है वो लोन रेस कर सकता है वो लाइबिलिटी इनकर कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है ठीक है याद रखिएगा सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम से भी अलग होती है कंपनी अब आप लोगों को एक बार मैं वापस से बता दूं कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम क्या होता है मान लेते हैं आज मैं और मेरा एक दोस्त है हम लोगों ने मिलकर कहा कि यार अपन कंपनी खोलेंगे कंपनी खोलेंगे हम तो कंपनी तो हम लोग कौन लो है हम लोग प्रमोटर हैं हमारे पास आइडिया है कि चल यार सीए फाउंडेशन के बच्चे को पढ़ाते हैं एक कंपनी खोलते हैं सीए फाउंडेशन क्लासेस नाम से तो मैंने और मेरे दोस्त ने और एक दो लोग और थे हम लोगों ने हम लोग प्रमोटर हैं हम लोग आगे गए

मेंबर बोल सकते हैं बताओ क्या वे मेंबर बन गई क्या कंपनी बन चुकी है अभी या फिर कंपनी अभी बन रही है मैं हुई सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बेटा मेंबर नहीं यश मैं सब्सक्राइबर हुई अभी सिर्फ मेमोरेंडम बना हुआ है मेमोरेंडम अभी जा करके उसको आर मेमोरेंडम को और फिर कंपनी बनेगा तो प्रमोटर थी अब प्रमोटर से मेरा प्रमोशन हो चुका है मैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बन गई और मेरे दोस्त ने छोड़ दिया तो क्या क्या प्रमोटर जरूरी है कि शेयर होल्डर होगा बिल्कुल भी नहीं अगर वो चाहे तो हो सकता है अच्छा तो मैम क्या सिर्फ और सिर्फ आप सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हो सकती हो नहीं मैंने कहा कि यार बहुत कम लोग हैं मैंने अपने बु, बुआ जी को फोन किया मैंने कहा बुआ जी कंपनी खोल रही हूं आप सब्सक्राइबर टू तो मेमोरेंडम बनना चाहोगे उन्होंने कहा हाँ हम तो वेले बैठे हुए हम बन जाते हैं सब्सक्राइबर टू तो मेमोरेंडम दिन भर टीवी देखते रहते हैं तो वो भी आ गई बुआ जी भी आ गई चाचा जी भी आ गई हमने सबको जो है सब्सक्राइबर टू तो मेमोरेंडम बना दिया इसके बाद कंपनी बन गई ठीक है कंपनी फॉर्म हम हो गई बढ़िया से आर ने चेकिंग वेकिंग कर दी अब इसके बाद मेंबर बन गए तो अब हम लोग सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम से शेयर होल्डर बन गए अब मैं मेरे पास दिमाग था मैं ही काम करती थी तो मैंने कहा कि यार ऐसा है कि मैं डायरेक्टर भी बनना चाहती हूं क्या मैं डायरेक्टर बन सकती हूं बिल्कुल बन सकती हूं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन मैं कुछ भी बन जाऊं सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी ठीक है मेरी लाइबिलिटी अलग कंपनी की लाइबिलिटी अलग तो ये क्या लिखा हुआ है एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम सो कंपनी कौन है कंपनी एक पर्सन है जो कि अपने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम से भी डिफरेंट है हम लोग सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम को एस टी एम बोलेंगे राइट right? भाई प्रमोटर जिसने उसका आइडिया कंसीव किया उससे भी डिफरेंट है उसकी भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होने वाली अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट अब जब मेंबर अलग है तो क्या मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ बताओ मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूं मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूँ सच में शेयर होल्डर हूँ ठीक है अच्छे खासे शेयर्स की मैं शेयर होल्डर हूँ रिलायंस की और आज यहाँ पे मेरे घर के पास मेरा घर मिर्जापुर में है तो मिर्जापुर में एक पेट्रोल पंप है मैंने मैं मैं वो हूँ क्या बोलते हैं बिजली मिस्त्री ठीक है मैं बिजली मिस्त्री हूं म, उसने कहा पेट्रोल पंप वालों ने बोला कि ऐसा है अग्रिका जी आप बिजली मिस्त्री ठहरी और आपका जो यहाँ पे पेट्रोल पे पंप में कुछ प्रॉब्लम हो गया आप आ सकती हैं मैंने कहा हाँ हम हाँ, आ सकते हैं हम गए वहां पे हमने जो है एकदम बढ़िया से काम वाम किया कॉन्ट्रैक्ट किया भाई इंजीनियरिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट किया बिजली वाला तो उसमें मेरे कम से कम पचास हजार रुपए का मेरा बिल आया अब वो लोग मुझे दे ही नहीं रहे कह रहे आप तो शेयर होल्डर हो ना बस निपटा लो उसी में लेकिन याद रखिएगा मैं शेयर होल्डर हूं तो क्या हुआ मेरा ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूं है ना मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूं ठीक है तो कहने का मतलब अ बेसिकली मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट क्या मैं लोन दे सकती हूं दे सकती हूं क्या मैं लोन ले सकती हूं ले सकती हूं ये सब आप आगे आने वाले वक्त में पढ़ेंगे अच्छा एक और बात मेंबर से बोला जाता है देखो मेंबर की ना इज्जत बड़ी कम होती है मेंबर को सिर्फ एक बार इज्जत दी जाएगी पूरे पूरे के पूरे सेशन में वो इज्जत पता है क्या कब दी जाएगी वो इज्जत दी जाएगी जब आप मीटिंग में आएंगे अदरवाइज कोई इज्जत नहीं है हम्म भाई अगर कोई कोई दिक्कत हो जाएगी तो मैं वापस इसे खोल लूंगी ठीक है तो अब हम स्टिक करेंगे बिल्कुल पॉइंट पे हर एक मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ कंपनी के साथ वो राइट right एक्वायर कर सकता है इनकर कर सकता है लाइबिलिटी तुम डेट ले सकते हो तुम डेट दे सकते हो और लेट सपोज की मैंने एक और बात बताई थी कि सपोज एक क्रेटर है एक क्रेटर के फॉर एक्साम्पल विजय माल्या जी विजय माल्या सौ करोड़ रुपए लेकर के भागे हुए हैं पीएनबी का पंजाब नेशनल बैंक का अब जो वो क्रेटर हो गया पंजाब नेशनल बैंक क्रेटर हो गया विजय माल्या के लिए अब मैं शेयर होल्डर हूं किसकी उनकी कंपनी का नाम क्या था यार विजय माल्या की किंगफिशर तो मैंने कहा कि यार ये विजय माल्या बड़ा बदतमीज आदमी है ये सौ करोड़ रुपए दे रहा है मुझे टेंशन हो रही है मैं भी शेयर होल्डर हूँ ये पैसा क्यों नहीं दे रहा तो मैं गई मैंने कर दिया विजय माल्या के अगेंस्ट मैंने कहा कि यार बहुत बदतमीज आदमी है ये जो है क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे रहा तो क्या मैं मेंबर हूं क्या मैं केस कर सकती हूं बताओ क्या मैं स्यू कर सकती हूं मैं केस नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी कहती है कि भैया क्रेटर का पैसा है तो क्रेटर करेगा ना सू तुम कौन होते हो तुम अपना काम करो तुम मेंबर हो मेंबर में रहो तो क्या लिखा हुआ है कि फॉर द डेट ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेटर कैन स्यू एंड नॉट इट्स मेंबर बात समझ में आ गई नो no, बेटा येस yes, नहीं है नो no है तो आखिरी में हम लोग बात करें तो जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं बुक में वो आपको प्लीज और प्लीज याद करनी है ये मेन की पॉइंट्स हैं ठीक है ठीके? तो कंपनी जो है हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी का पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी खुद सब कुछ ओन कर सकती है अपने नाम से परचेज सेल कर सकती है लेकिन 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 याद रखिएगा एक बात ये कंपनी की बैलेंस शीट है यहां पर एसेट है यहां पर लाइबिलिटी है ठीक है कंपनी ने लाइबिलिटी ली एक करोड़ की और कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे लिए दो करोड़ के कंपनी के पास टोटल पैसे कितने हुए तीन करोड़ अब इस तीन करोड़ से कंपनी जो है अपने एसेट खरीदेगी बिल्डिंग प्लांट कैश वैश सब रखा हुआ है मान लेते हैं कि एक कंपनी है अग्रिका लिमिटेड उसमें पूरे पैसे मैंने दिए मैं हंड्रेड परसेंट शेयर होल्डर हूं वन परसेंट कंपनी है तो क्या मैं कह सकती हूं कि लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिख रहा है वो मेरा है ऑफकोर्स वो मेरा है लेकिन उससे खरीदा हुआ जो असेट साइड में असेट दिख रहा है वो भी मेरा है क्या मैं कह सकती हूं हां जी भावेश बिल्कुल कर सकते हैं उस केस में बताओ बिल्कुल कर सकते हैं तो क्या वो जो असेट रखा हुआ है क्योंकि मैं ही मेंबर हूं सोल मेंबर मैं हूं और कोई आगे पीछे है नहीं मैंने ही पूरे पैसे दिए हैं मेरे ही पैसे से पैसेट खरीद के आया है बिल्डिंग तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये मेरे बिल्डिंग है बिल्कुल नहीं तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इट रिटर्न ऑल दो द कैपिटल एंड द असेट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एसेट्स शेयर होल्डर निकलो यहां से यू आर नॉट द प्राइवेट और इवन द ज्वाइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी राइट हाय कितने बुरे वक्त आ जाएंगे ना मैंने एक करोड़ रुपए दिया मेरे पैसे से कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी और मैं इसे अपना नहीं बोल सकती कितना दिल में दर्द होगा यार अच्छा तो यहां पे ही आपसे एक बात कर लेते हैं अ मेंबर डज नॉट इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी द लीडिंग इज मकोरा वर्सेज नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तो ये आपका पहला केस लॉ है जो आपको याद करना है राइट right? आप लोगों ने चार्ट पेपर रख लिया होगा अपने सामने और वहां पे अब आप आप मैं जो जो सेक्शन सेक्शन बोलूंगी आप लिखोगे चार्ट पेपर में कॉपी में नहीं कसम खाओ कॉपी में नहीं चार्ट पेपर में करना है आपको आप चार्ट पेपर में सेक्शन लिखोगे और उस चार्ट पेपर को अपने सामने चिपका लोगे कंपनीज के बाद और केस लॉ भी लिखोगे ठीक है ओके में ज्वाइंट ऑफ द प्राइवेट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्कुल सही बात गिव मी अ मोमेंट गाइज तो दोस्तों हुआ क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसके फैक्ट्स में बताती हूं तो मिस्टर एम थे मकौरा इनका नाम देखो कैसा नाम है यार ऐसा नाम किसका होता है कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको चार्ट पे बेटा कुछ नहीं मैंने आपको बताया तो था यश चार्ट पेपर लेकर के आओ चार्ट पेपर पे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सेक्शन लिखने हैं सेक्शन और केस लो आप उस पर लिखोगे और उस चार्ट पेपर को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओगे जिससे कि आप फिर बीच क्लास में दो महीने क्लास होगी आप रो रहे हो कि मैम सेक्शन नहीं याद हो रहा सेक्शंस लिखने हैं ठीक है ठेके? तो मिस्टर मकौड़ा थे ठीक है मकौड़ा जी थे एम नाम था उनका मकौड़ा वो जो है बेसिकली एक टिम्बर कंपनी थी टिम्बर क्या होता है आप लोग को पता होगा टिम्बर लकड़ी होती है ना तो टिम्बर कंपनी थी उस टिम्बर कंपनी के 100 प्रतिशत सौ प्रतिशत शेयर 99.9 परसेंट शेयर वो होल्ड करते थे और एक शेयर कोई और होल्ड करता था ठीक है और उन्होंने ही ज्यादातर पैसे दिए थे कंपनी को वो क्रेटर भी थे ठीक है वो क्रेटर भी थे मेरी स्क्रीन राइट कॉर्नर पर लगाऊंगा अच्छा ऐसा करती हूँ ऐसे कर देती हूँ वो दिक्कत हो जाएगी अगली बार से लगा दूंगी ठीक है ये देखो अब सही है दिमाग देखो दिमाग तुम तो मेरा बस तो मकौड़ा जी थे वो एक टिम्बर कंपनी के सारे के सारे शेयर होल्ड शेयर होल्ड करते थे एक्सेप्ट वन वो क्रेटर भी थे उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि यार इस कंपनी को पैसे मैंने दिए हैं शेयर होल्डर के तौर पे क्रेडिटर के तौर पे इसने जो महंगे महंगे टिम्बर खरीदे हैं वो तो मेरे मतलब कहने का मतलब वो ऑलमोस्ट मेरे ही तो हुए। उसको लगा कि कि यार ऐसा करते हैं ये जल के राख हो जाएंगे इसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो मकौड़ा जी गए नॉर्दर्न इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास गए और बोले कि इस टिम्बर को जरा इंश्योर कर दो उसने कहा कि अच्छा किसके नाम पे उसने बोला मेरे हैं मेरे नाम पर अब कल को टिम्बर जल के राख हो गया आग वाग लग गई अब बताइए क्या मिस्टर एम इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम कर पाएंगे बताइए कदापि नहीं कदापि नहीं इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाग यहां से तेरे कम, तेरा है ही नहीं वो इट्स नॉट योर्स इट इज जस्ट लाइक कि तुम पड़ोसी के घर में रखी हुई कार का इंश्योरेंस करवा रहे हो। हो सकता है ऐसा बताइए नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते तो मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस बात का सीमेंट किया इस बात को फाइनल किया कि जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उस पर तुम, तुम सकते तो इससे यही बात आती है सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि भले तुम 100% परसेंट शेयर होल्डर हो तुम ही ग्रेटर हो एक एक पाई तुम्हारी लगी हुई है फिर भी वो सामान तुम्हारा नहीं है जो सामान सामान तुम्हारा नहीं है उसका तुम इंश्योरेंस अपने नाम पे नहीं ले सकते हो ठीक है यू हैव नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन इट तुम्हारा इंटरेस्ट हो तुम बोलिए अरे भैया ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है मेरी कंपनी है मेरा इंटरेस्ट है इस कंपनी में इस कंपनी के हर एक चीज में मेरा इंटरेस्ट है भाई इंटरेस्ट कितना भी क्यों ना हो लीगल इंटरेस्ट नहीं है लॉ की नजरों में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर तुमने उस अपनी कंपनी के नाम पे जो भी तुम्हारी कंपनी थी कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है हो सकता है एम लिमिटेड हो तो मकौरा लिमिटेड के नाम पे किया होता तो हो जाता ठीक है दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन इज द लास्ट इज द सेकंड सेकंड सेकेंड इज द सेकंड फीचर तो क्या होता है बेटा मेरी बात याद रखो जब तुम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो तो तुम ही इकलौते इंसान हो तुम अगर मर जाते हो तो तुम बिजनेस खत्म कर देते हो या फिर तुम्हारे बच्चे के नाम पर तुम्हारा बिजनेस चला जाता है सिमिलरली अगर हम बात करें आपके पार्टनरशिप की पार्टनरशिप में भी आप पढ़ोगे कि पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स डेथ हो जाती है रिटायरमेंट हो जाती है इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है बड़ा बेकार है एक इंसान ने बिजनेस खड़ा किया वो डिजोल्व हो गया लेकिन कंपनी में क्या होता है कंपनी में अंबानी जी मर जाए उनके घर वाले जो हैं चले जाएं कुछ भी हो जाए हम लोग शेयर होल्डर्स रहेंगे कंपनी चलती रहेगी सो मेंबर्स में डाई और चेंज अब आप बोलोगे मैम काम कौन संभालेगा का? अरे भैया मेंबर काम संभालता था क्या आप बताइए जरा मेंबर काम संभालता था बताइए डायरेक्टर काम संभालता था राइट तो डायरेक्टर तो अभी भी जिंदा है ना डायरेक्टर मर जाएगा तो मेंबर्स नया डायरेक्टर लेकर के आ जाएंगे और मेंबर एक बार बताइए सारे मेंबर एक साथ मर जाएंगे भाई प्राइवेट कंपनी भी होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होगी फिर भी कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं बताओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं पता है आप लोगों को यही सब आप पढ़ने वाले हो सो बेसिकली मेंबर में डाई और चेंज कंपनी गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन टिल वॉट टाइम टिल इट इज डिजोल्व बाय लॉ इट इज वाउंड अप कानून ने पैदा किया था कानून ही तुमको मार सकता है तो जो शेयर्स हैं शेयर्स हैं आप लोग 200 बोल रहे हो राइट right. टू टू हंड्रेड होता है मिनिमम दो होता है नहीं नहीं मिनिमम सात नहीं होता मिनिमम दो होता है मैक्सिमम दो सौ होता है सात तो बेटा उसमें होता है आपका पब्लिक कंपनी में ठीक है <coughs> कोई बात नहीं बेटा ठीक okay, so है ओके सो में चेंज हैंड्स शेयर्स में चेंज हैंड्स जो शेयर हैं आज मेरे पास है कल किसी और के पास से चलता रहेगा चलता रहेगा रहे इनफाइनाइट इनफाइनाइट बार शेयर परचेज सेल हो सकते हैं ठीक है पहली पहली बार आप कंपनी से शेयर खरीदते हो स्टॉक एक्सचेंज से उसके बाद दूसरी दूसरी बार मैंने किसी और शेयर होल्डर से खरीदा किसी और ने मुझसे खरीदा तो चेंज होते रहे हैंड्स कोई फर्क नहीं पड़ता राइट सिंस अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ ओनली लॉ कैन टेक इट्स लाइफ लॉ ने कहा मैंने तुमको पैदा किया है मैं ही तुम्हारी जान ले सकती हूं इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन ठीक है आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तो यहां पे एग्जाम्पल नंबर वन आप लोग पढ़िएगा कि बेसिकली यहां पे क्या है कि एक कंपनी है बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो सौ से भी ऊपर साल से चल रही हैं दो दो साल से चल रही हैं तो क्या दो साल उनके मेंबर्स जिंदा हैं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है कंपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस तो आपने बोला मैम परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बताओ परपेचुअल का मतलब आजीवन चलता जा रहा है चलता जा रहा है, चलता जा जा रहा रहा है है बियॉन्ड लाइफ भी चलता 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 जा रहा है और सक्सेशन का मतलब सक्सीड करना फादर का बिजनेस बच्चे ने सक्सीड किया ग्रेड का बिजनेस फादर ने सक्सीड किया तो सक्सीड होता जा रहा है नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अनलिमिटेड िटी की वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ लिया अब लिमिटेड लाइबिलिटी सबसे झक्कास चीज है जिसके लिए आज की डेट में हर बंदा कंपनी खोलना चाहता है तो कहने का मतलब है कंपनी तीन तरीके की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है देखो अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कोई तुमसे बोलता है तो तुम फट से ये बात बोल देना कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि लाइबिलिटी मेरी लिमिटेड रहेगी नहीं उसके आगे भी तीन चीज होती है तीन टाइप की लिमिटेशन होती है पहला कंपनी मतलब दो होती है बेसिकली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी सो जो बच्चों अभी भी अनलिमिटेड कंपनी चल रही है ठीक है मुझे से लगता है नहीं है कि ज्यादा चल रही होंगी बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं क्या ही फायदा तुम कंपनी भी खोल रहे हो तुम अनलिमिटेड भी कर रहे हो आइए अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं बेटा मैंने अभी बोला कि लिमिटेड कंपनी दो तरीके की होती है एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अब बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को सब भूल जाओ चैटिंग बंद कर दो सब भूल जाओ अगर अग्रिका लिमिटेड में खोल रही हूं और उसमें तुम भी शेयर होल्डर हो तो मैंने कहा सुनो बेटा इधर आओ क्या नाम है जसप्रीत जसप्रीत सुनो तुम क्या मेरे कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हो बोला यस मैम हम खरीदना चाहते हैं देखो मेरा शेयर सौ रुपए का है उसने कहा कोई दिक्कत नहीं मैम मैं दे दूंगा मैं दस शेयर आपका खरीदूंगा कंपनी का मैंने कहा ठीक है अभी कितना देना है मैम ये बताओ तुरंत चेक काट के दू मैंने कहा सुन बेटा तुझे अभी पचास रुपए देना पड़ेगा पचास रुपये भी देना पड़ेगा पचास रुपए अनपेड है मैं बाद में ले लूंगी उसने लूंगा मैम ले लो ना अभी ले लो मैम आप मैंने कहा नहीं यार रुको अभी मत दो पचास बाद में देना तो मैंने कहा सुनो तुम पता है कौन हो यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर उसने बोला मैम मैम समझ में में नहीं आया अभी अभी फाउंडेशन हूं अच्छे से बताओ मैंने कहा बेटा सुनो जसप्रीत ऐसा है कि कल को अगर मैं जब भी चाहूं कंपनी बढ़िया काम कर रही है मेरे को वर्किंग कैपिटल का नीड होगा मेरे को असेट का नीड होगा मेरे पास पैसे नहीं होंगे जो तुम्हारे हर शेयर पे पचास रुपए बचे हुए अनपेड है ना वो मैं मंगा लूंगी ठीक है दे देना और कल को मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस चला नहीं हमारा बिजनेस चला नहीं तो क्या होगा बुरा वक्त आ गया लिक्विडेशन आ गया तो जसप्रीत में उस वक्त भी तुमसे पचास रुपए मांग सकती है तो तुम पचास रुपए के लिए लाइबल हो तुम्हारी जो लाइबिलिटी है इट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड इट्स लिमिटेड बाय द नॉमिनल अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइप ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी देखिए क्या लिखा हुआ है द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर लाइबिलिटी कहा गया भाई द लाइबिलिटी ऑफ अ में डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी इन विच यू आर अ में नो दैट कंपनी इज अपरेट लीगल एंटिटी एंड डिफरेंट फ्रॉम थ्री टाइप ऑफ इट फर्स्ट है इन जो नॉर्मल लिमिटेड कंपनी होती है ना उसका मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपनी की डेट अलग शेयर होल्डर की डेट अलग जसप्रीत के पर्सनल डेट्स अलग होंगे मेरे डेट्स अलग होंगे लेकिन याद रखिएगा जो नॉमिनल वैल्यू था ना शेयर का जसप्रीत को मैंने सौ रुपए का पेड सौ रुपए का नॉमिनल वैल्यू का शेयर दिया था तो जो फेस वैल्यू था वो सौ रुपए का था कम से कम तुमको सौ रुपए तो देने ही पड़ेंगे चाहे आज देने पड़े चाहे बाद में बुरे वक्त में देने पड़े वो तुमको देने ही पड़ेंगे राइट तो क्या लिखा हुआ है The liability of the members is limited to the extent of the nominal value of the shares, and in no case shareholders be asked to pay more than anything unpaid value. तो so, 50 रुपए से ज्यादा मैं जसप्रीत से कभी मांग ही नहीं सकती हूं राइट बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अब मैम दूसरा क्या होता है एक होता है बेटा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अब पकड़ते हैं किसी और बच्चे को अनिस बाय कर रहा है अनिस कह रहा है बाय बहुत देर से बाय कर रहा है ये तो अनिस ने बोला कि मैम मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ मैंने कहा कि सुनो यार जगह नहीं बची हुई है अब तुम जो है मेरी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर बनो उसका वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो बोलेगा मैम उसमें क्या करना होता है देखो उसमें कोई शेयर वेयर नहीं देखना होता है मैं तुमको पहले ही अनिस बता दूंगी कि तुमको पाँच देना पड़ेगा पाँच ठीक है आपको फाइव देना पड़ेगा बताओ तैयार हो मैम पाँच सौ कब देना पड़ेगा बेटा तुमसे पाँच सौ हम लोग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी नहीं मांगेंगे वो कहता है कि मैम शेयर होल्डर शेयर होल्ड करना चाहता हूं मैं कुछ तो देना पड़ेगा मैं कहूंगी हाँ हाँ वो तो तुमको दस रुपये देने पड़ेंगे दस रुपये का मेरा दूसरी कंपनी का शेयर है या फिर सौ रुपये मान लो जो जसप्रीत ने दिया सौ रुपये देना पड़ेगा लेकिन तुम अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के शेयर होल्डर हो उसने बोला मैम मतलब तुमने भले सौ रुपए दे दिया हो ना दिया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है जब तुमको मैंने शेयर होल्डर बनाया तो मैंने तुमसे मेमोरेंडम में लिखवा लिया कि पांच सौ रुपए तुम दोगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी गारंटी तुमने गारंटी दिया कि जब कंपनी का बुरा वक्त आएगा तो मैं कंपनी को पांच सौ रुपए दूंगा ठीक है तो मैम जब बुरा वक्त नहीं आएगा तब नहीं मान सकते नहीं 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 सबसे बड़ा डिफरेंस सो so, जो जसप्रीत है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का शेयर होल्डर था और जो अनिस है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर होल्डर था तो जसप्रीत ने तो अभी सौ रुपए में से पचास रुपए दिए थे तो हम उसे पचास ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी एंड एट द बुरा वक्त ऑफ द कंपनी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी लेकिन अनिश ने तो ऑलरेडी सौ रुपए दे दिए है ना या फिर दिए हो ना दिए उससे मतलब नहीं है वो तो उससे मांगेंगे ही लेकिन ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जनरली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल नहीं होता है ठीक है तो अनिस ने सिर्फ बोला कि भैया मैम मैं आपको पांच सौ दूंगा लेकिन ये पांच सौ रुपए दोस्तों बताओ गारंटी कब इवोक होती है तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारे मम्मी या फिर तुम्हारा बड़ा भाई जो भी होगा उन लोगों ने आपका बैंक अकाउंट खुलवाया और बोला कि मैं गारंटर हूं तो तुम जब फ्रॉड करोगे तो उनकी गारंटी इनवोक होगी ना सेम वे अनीस की गारंटी तब इनवोक होगी पांच सौ रुपए की जब बुरा वक्त आएगा कंपनी का तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है ठीक है ये आएगा डिफरेंस आएगा एग्जाम में राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाई लाइबिलिटी न कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी मैम अगर बुरा वक्त उसके मरने के बाद आया तो किससे मांगेंगे इसकी बात भी करेंगे सो बेसिकली अनीश ने अपने शेयर्स तो सेल कर दिए होंगे ना अगर अनीश ने मेरे पास देखो ये शेयर रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक शेयर है दिस इज अ शेयर ठीक है ये शेयर है अनीस अगर लेते अनश कहेगा यार आप लोग मेरे को मार रहे हो एक्स को लेते हैं मिस्टर एक्स को ठीक है कहेगा यार सुबह सुबह मेरे को मार ही दे रहे हो तुम लोग ये मिस्टर एक्स है एक्स के पास दस शेयर्स हैं तो ये मिस्टर एक्स अगर मर जाते हैं अचानक से बिना किसी को सेल किए हुए तो जो मिस्टर एक्स है उनके बेटे के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी बेटे को शेयर मिल जाएगा तो वो लाइबिलिटी इनकर करेगा और अगर कोई बच्चा बच्चा नहीं है तो कुछ नहीं लैप्स हो जाएगा या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर उसने शेयर शेयर सेल कर दिया था मरने के पहले तो नए बंदे के पास चला जाएगा ठीक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बात समझ में आ गई तो लिखा हुआ है द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड दैट टू व्हेन द कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन दैट टू वेन द कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन बात समझ में आती है क्या इतना क्लियर है और एक अनलिमिटेड कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है ही नहीं भाई तुम्हारे घर घुस के तुम्हारा एक एक सामान बेच देंगे और तुम्हारी लाइबिलिटी और कंपनी की लाइबिलिटी एक ही है बात समझ में आ गई आप लोग सुबह सुबह खा पी के बैठते हो ना एनर्जेटिक फूड खाया करो अब ठीक है फ़ास्ट फूड खाना बंद बहुत लिमिटेड रख लो फास्ट फूड बिकॉज इन सबसे आप लोग ऐसे खाना खाओ ऐसा चीज़ें यू नो कंज्यूम करो एक्सरसाइजेस करो जिससे कि आप अगले नवंबर दिसंबर तक बिल्कुल एनर्जेटिक रहो अपने अंदर की सारी गलत हरकतें निकाल दो यू नो ईटिंग फास्ट फूड गेटिंग अप लेट हैविंग नो रूटीन नॉट डूइंग एक्सरसाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज प्लीज करो एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपके मैं ये बोल कि जो बच्चा अगले पांच महीने एक्सरसाइज करेगा ना उसके मार्क्स बढ़ेंगे कैसे वो लेथार्जिक नहीं होगा आपको पता है अभी मैंने मैराथन किया था मैराथन कितना होता था आपने देखा है छे छह घंटे का मैराथन बच्चा जब डेढ़ डेढ़ दिन के लिए आता है एग्जाम देकर के उसकी हालत खराब होती है उसकी हालत खराब हो जाती है बच्चे की तो क्यों क्योंकि उसका स्टैमिना नहीं अच्छा है उसने पूरे पांच महीने छह महीने कोई रूटीन नहीं फॉलो किया अपने आप को स्ट्रांग बनाओ साधु बन जाएंगे क्या बात है ठीक है ग्रेट ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की देखो तो ये जो शब्द है इसमें तीन शब्द आ रहे हैं पहला पर्सन दूसरा लीगल और देन आर्टिफिशियल तो पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल की आर्टिफिशियल तो है ही माँ के पेट से जन्म हुआ नहीं है लीगल पेट से लॉ के पेट से जन्म हुआ है तो है ठीक है ठीक है तो आर्टिफिशियल पर्सन ठीक ठीक उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं लीगल क्यों देखो आर्टिफिशियल का मतलब ह्यूमन नहीं है नकली है पहली बात लीगल का मतलब माँ ने जन्म नहीं दिया है लॉ ने जन्म दिया है और पर्सन क्यों है क्योंकि उसके पास पर्सन वाले सारे राइट है एक्सेप्ट फ्यू पर्सन वाले सारे राइट है एक्सेप्ट फ्यू ठीक है

लेकिन एक कंपनी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम कब से आप कह रही हो कंपनी ये कर सकता है वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बैंक अकाउंट लेकिन करेगा कैसे तो कंपनी ये सब क्योंकि कंपनी तो याद है किसने चीफ जस्टिस मार्शल ने क्या कहा था फूक करके कि कंपनी तो बस कॉन्टेम्पलेशन में है तो कंपनी करेगी कैसे इसके लिए कंपनी को एक ह्यूमन एजेंसी की जरूरत है लो भैया अब आगे लाइन पे तुमको तो ह्यूमन की जरूरत है तो वो ह्यूमन कौन होगा डायरेक्टर होगा डायरेक्टर जो है क्या होता है मेरी बात ध्यान सुनो पहली बात एक कंपनी है शेयर होल्डर मेंबर है और डायरेक्टर है कौन किसके ऊपर हावी हो सकता है देखो भाई मेरी बात समझो मेंबर का कोई रोल नहीं होता मेंबर जो है कभी भी डायरेक्टर को बीच में रोक नहीं सकता डायरेक्टर मेरा पैसा है ऐसे करो वैसे करो ना 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 ना, ना। डायरेक्टर कहेगा आई एम रिजाइनिंग मेंबर सिर्फ पैसा देता है बात खत्म डायरेक्टर अपॉइंट हो गया बात खत्म डायरेक्टर अपने हिसाब से काम करेगा तो क्या डायरेक्टर कुछ भी कर सकता है नहीं जो एमओए और एओए में लिखा हुआ है उसके हिसाब से डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज करेगा डायरेक्टर को रेमंडेशन मिलेगी और टाटा बाय बाय तो मेंबर कंट्रोलिंग करता डायरेक्टर को डायरेक्टर एजेंट होता है डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा होता है डायरेक्टर जो होता है कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा होता है तो डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है बात समझ में आ गई लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर मेंबर का एजेंट है भाई डायरेक्टर ही मेंबर हुआ तो अलग बात है वो अप, मतलब वो अपने ही ऊपर थोड़ी ना हावी हो जाएगा हम तो ये पढ़ रहे हैं कि ना कि कौन किसके ऊपर हावी हो सकता है कौन किसको चला सकता है अपनी उंगली पे नचा सकता है तो मेंबर कभी भी डायरेक्टर को नचा नहीं सकता है बताइए मैंने क्या बोला मैंने क्या पूछा था मैंने आपसे पूछा क्या था मैंने जो पूछा था मैं वही भूल गई मैं बात करने लग गई ना मैंने क्या पूछा था भाई हाँ, कि क्या जो डायरेक्टर होता है वो मेंबर का एजेंट हो सकता है बिल्कुल नहीं वो तुम्हारा एजेंट नहीं है वो सिर्फ कंपनी का एजेंट है राइट तो क्या लिखा हुआ है डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल अफेयर ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी वो अफेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते वो तुम्हारा एजेंट है डायरेक्टर जो है कंपनी का एजेंट है उसके लिए काम करेगा अपने हिसाब से कंट्रोलिंग कर सकता अफेयर लेकिन एजेंट मेंबर का एजेंट मेंबर का नहीं है तो यहां पर तीन बातें आई डायरेक्टर एजेंट है कंपनी का इसलिए डायरेक्टर कंपनी के अफेयर्स को अपने आपसे कंट्रोल नहीं कर सकता जो लिखा हुआ है वो करेगा लेकिन एक और बात डायरेक्टर मेंबर्स का एजेंट नहीं है डायरेक्टर जो है ऑथेंटिकेट करता है साइन करता है कंपनी के बिहाफ पे राइट right? अभी आप लोग देखोगे कि कितने डायरेक्टर्स का साइन चाहिए होता है अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉमन सील की मैम ये चेयरमैन और डायरेक्टर एक ही होता है सो बेसिकली डायरेक्टर्स बिल्कुल डायरेक्टर का मतलब समवन हु इज मैनेजिंग तो इनको बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो गवर्न कर रहे हैं कंपनी को इसमें अलग अलग आएंगे सीईओ सी डायरेक्टर चेयरमैन ये वो सब आएगा ठीक है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉमन सील की तो कॉमन सील क्या होता है बेटा कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी देखो कंपनी के पास हाथ तो है नहीं नहीं कंपनी के पास हाथ तो है नहीं, उसको साइन तो करना पड़ेगा तो अब क्या करें तो ये जो डायरेक्टर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं ये कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे सेल परचेज सबके डॉक्यूमेंट पे थप्पा लगाते हैं किसका कॉमन सील का ये ठप्पा क्या होता है ये थप्पा सिंबल ऑफ है कि कंपनी हाँ, तुम इनकॉर्पोरेटेड हो हाँ तुम्हारे पास एक है, हाँ, तुम वो सारे काम कर सकते हो सकता है लेकिन अमेंडमेंट हाईलाइट करिए कंपनी अमेंडमेंट एक्ट दो आया तेरह के बाद कंपनी अमेंडमेंट एक्ट दो आया उसमें लिखा था कि यार कॉमन सील यार एक बात याद करो आज के डेट में तुम कहीं जाते हो तो तुमने कभी देखा हुआ है कि लोग ठप्पा मार रहे हो आजकल तो मुझे लगता है सरकारी दफ्तरों के अलावा कहीं ठप्पा नहीं लगता है हर जगह डिजिटल सिग्नेचर जाता है डी डिजिटल सिग्नेचर जाता है तो बोला यार कंपनी अमेंडमेंट एक्ट ने बोला यार दिस इज टू ओल्ड फैशन ओ माई गॉड आई एम नॉट डूइंग इट इट्स टू ओल्ड फैशन यू हर जगह यूके में भी कॉमन सील हट चुका है 2006 से ही हट चुका है और आप लोग इंडिया वालों 2015 में भी कॉमन सील लगा रहे हो ठप्पा मार रहे हो सो ओल्ड फैशन बहुत ही मिडीवल थिंग है इट्स वेरी मिडीवल तो क्या किया इन्होंने कहा कि भैया सुनो ठप्पा लगाना कॉमन सी लगाना ऑप्शनल कर दिया गया है तो मैम बिना बिना ठप्पे के ही प्रॉपर्टी सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना 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 इसमें कुछ काम करना पड़ेगा बेसिकली क्या होगा बेसिकली कॉमन सील को तो हटा दिया गया है लेकिन अगर आप चाहो तो कॉमन सील अभी भी रख सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो कॉमन सील हटा भी सकते हो उस केस में क्या करना पड़ेगा दो डायरेक्टर या तो एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा तो आपके पास ऑप्शन है आपको जो करना है करो आप ओल्ड फैशन हो तो अभी अभी आप ठप्पा लगाओ कंपनी का हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप नए फैशन के हो तो आप क्या कर सकते हो बहुत ध्यान से सुनो दो डायरेक्टर या फिर अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है हर कंपनी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करती जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको मैंडेटरी होता है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना तो डायरेक्टर बोल रहे हैं हम लोग सब कुछ कर लेंगे हमें कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है तो दो डायरेक्टर कम से कम ऑथेंटिकेट करेंगे हर उस डॉक्यूमेंट को जो इंपॉर्टेंट है बाहर जा रहा है या फिर अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक सीएस का और एक डायरेक्टर का दो लोग होने चाहिए दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर एक सीएस साइन करेंगे बात खत्म पैसा हजम राइट right एवरीबडी मजा आ गया आप लोगों को अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों कॉपरेट वेल थ्योरी की ऑपरेट वेल्थ थ्योरी की बात कर रहे हैं मजा आ गया एक मिनट का ब्रेक ले लू मैं अब आप लोग फटाफट फड़ से कोई सवाल हो तो पूछ लो यूट्यूब वाले यार जो भी बच्चे हैं जो आपके सवाल है फटाफट से पूछ लो मैं थोड़ा सा हाँ, सांस ले लू यार फटाफट फड़ से जो भी सवाल हो पूछ सकते हो बेटा नोट्स हमारे पेड स्टूडेंट्स को जाते हैं ये पेड क्लासेस का डेमो है और ये नोट्स आपको दे दिए गए हैं राइटिंग कितनी मैटर करती है सी करने में देखो राइटिंग आपकी राइटिंग बहुत गंदी है क्या एक बच्चे का सवाल एकदम स्टार्टिंग से आ रहा है बेसिकली राइटिंग मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है मेरे को तो बच्चे माइनस वन नंबर देते हैं कुछ कुछ राइटिंग पे सो so बेसिकली क्या है कि जो राइटिंग होती है अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसका एक हैक है उसका हैक ये है कि आप दूर दूर लिखिए तोड़ तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे देखो मेरी राइटिंग तुमको अच्छी लग रही है कैसे लिखा हुआ है एक तीर घाट जा रहा है एक मीर घाट जा रहा है बट मैंने दूर दूर लिखा हुआ है सो so, दूर दूर लिखो आंसर्स को पॉइंटर्स में प्रेजेंट करो अपने आप खिचड़ी नहीं पकेगी मैम न्यू स्कीम के बारे में नवंबर में पता चल जाएगा क्या बिकॉज आई कम्प्लीट माई बी कॉम हाँ बहुत जल्दी ही आ, इसका अपडेट आ जाएगा मैम मॉड्यूल से समझ में नहीं आता बेटा मैंने रिविजन नोट्स भी दे दिए हैं कोर्स में मैम अच्छी हैं मैम आपकी क्लास लाइव गोगी पेड बैच में लाइव गोगी लाइव होगी हाँ जी लाइव होगी मेरी क्लास पेड बैच में अकाउंट्स और लॉ लाइव होगा बाकी जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो आपके रिकॉर्डिंग्स हैं लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग होगी बेटा मैंने आपका कोर्स भी लिया है क्या बात है चलिए आगे चले मेरा हो गया ब्रेक अब बात करें दोस्तों मेन बात की कॉर्पोरेट वेल थ्योरी आपको पता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का मतलब क्या है कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी वेल का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है वेल का मतलब होता है घूंघट घूंघट वेल नालायक, बहुत बेकार हो यार तुम लोग घूंघट राइट और थ्योरी का मतलब एक पॉस्टुलेट एक रूल तो बोला जा रहा है कि भैया सुनिए सेपरेट लीगल एंटिटी तभी बनाएंगे हम लोग आपको यू विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी परदा है परदा ठीक है परदे में रहने दो समझ रहे हो जितने भी डायरेक्टर हैं शेयर होल्डर हैं मेंबर हैं वो क्या गाना गा रहे हैं पर्दे में रहने दो है ना मैं गाना अच्छा गाती हूँ कि नहीं ठीक है ना तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट व्यल थ्योरी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या फिर कॉर्पोरेट इंसुलेशन ठीक है हर डायरेक्टर कह रहा है अब तो मौज ही मौज है जो करना है करो पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ ठीक है क्यों 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 कॉर्पोरेट थ्योरी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट आइसोलेशन ठीक है कॉर्पोरेट इंसुलेशन कॉर्पोरेट इंसुलेशन का मतलब क्या होता है जैसे तार तार होता है, एक naked तार होता है है एक नेकेड उसको क्या होगा बताओ तार को छूए क्या होगा गए काम से उसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है वो आपको बचाता है सिमिलरली कॉर्पोरेट इंसुलेशन कंपनी की लाइबिलिटी से आपको बचा रहा है है ना <laughs> हंड्रेड परसेंट मुंबई आऊंगी चलो अभी बात नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद आपके जो भी मैं ले एक बच्चे का डाउट हो रहा है जो कि बोलता है कि कंपनी अलग मेंबर्स अलग ठीक है यानी कि जो डायरेक्टर्स होते हैं जो मेंबर्स होते हैं जो इंप्लाइज होते हैं वो कंपनी की उसकी लाइबिलिटी से प्रोटेक्टेड होते हैं कंपनी के एक्शन से प्रोटेक्टेड होते हैं अगर कंपनी की कोई डेट इनकर हो रही है या फिर कंपनी ने कोई कानून को तोड़ दिया जो सुनो मेरी बात को कंपनी ने किसी कानून को तोड़ दिया फ्रॉड नहीं गलती से तोड़ दिया भाई आप गलती से कानून तोड़ देते हो ना तो गलती से अगर आपने कानून तोड़ा तो मेंबर्स लायबल नहीं होंगे उस एरर के लिए मेंबर कितने लायबल होंगे बताओ वो तो डिपेंड करेगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और इसको बोलते हैं हर इंसान कॉरपोरेट इंसुलेशन एंजॉय कर रहा है अब यहां पर अगर कोई बोलता है कॉरपोरेट इंसुलेशन कि कंपनी का जो

तो बेसिकली इन्होंने क्या किया फटाफट से आप लोगों को बताती हूं कि, 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 इन्होंने जो है एक कंपनी बनाई मिस्टर सालमन ने सैलम एंड कंपनी लिमिटेड और उसमें सेवन सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम थे वो थे उनकी वाइफ थी उनके चार लड़के थे और एक बेटी थी ठीक है इन्होंने क्या किया सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड ने मिस्टर सालिमन के पर्सनल एसेट्स ले लिए तो कभी कभी क्या होता है कि आपने शेयर्स की जगह पे पैसे नहीं लिए आपने पैसे नहीं दिए आपने एसेट दे दिया ठीक है तो मिस्टर सालिमन ने कोई पैसे नहीं दिए उन्होंने अपने पर्सनल एसेट्स सालमन एंड कंपनी लिमिटेड को दे दिए ठीक है और उसके टर्न में सालमन ने शेयर्स खरीद लिए बीस शेयर्स खरीदे एक पाउंड के डिबेंचर्स लिए दस के डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज डिबेंचर का मतलब लोन होता है ठीक है शेयर होल्डिंग नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर का मतलब आप लोग समझते हो ना कि एग्जाम मैं कंपनी को पैसे दे रही हूं तो मैं उसको शेयर होल्डर के फॉर्म में दे सकती हूँ इक्विटी के फॉर्म में या फिर डिबेंचर के फॉर्म में दे सकती हूँ तो अगर मैं इक्विटी के फॉर्म में एक लाख रुपये देती हूँ तो मेरे को ओनरशिप मिल जाएगी लेकिन अगर मैं डेट के फॉर्म में डिबेंचर के फॉर्म में पैसे देती हूँ तो मेरे को इक्विटी फिर नहीं मिलेगी मेरे को सिर्फ ब्याज मिलेगा और कल को जाकर के लोन वापस कर देगी कंपनी कोई इक्विटी नहीं मिलेगी तो मिस्टर सेलेमेन ने बीस एक पाउंड के शेयर्स खरीदे शेयर्स लिए दस हजार पाउंड का डिवेंचर लिया जिसके ऊपर कंपनी का का चार्ज था उसकी वाइफ ने उसके ने, उसके डॉटर ने, चार लड़कों ने एक-एक एक-एक शेयर लिए, ठीक है वन वन पाउंड शेयर ईच लिए अब क्या हुआ कंपनी बर्बाद हो गई कंपनी लिक्विडेशन में चली गई ठीक है कंपनी लिक्विडेशन में चली गई अब जो है कुछ अनसिक्योर क्रेडिटर्स भी थे कुछ बाहरी लोग थे अनसिक्योर्ड थे उनका कोई सिक्योरिटी नहीं था कंपनी देखो एक होता है सिक्योर क्रेटर एक होता है अनसिक्योर क्रेटर अगर आज तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो तुम कुछ गिरवी में मेरी महंगी घड़ी ले जाओगे या फिर मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स पे तुम्हारा इनकम्बरेंस हो जाएगा तो ये मिस्टर सैलमन ने जो है डिबेंचर लिया और वो भी सिक्योर इतना स्मार्ट था मिस्टर सैलमन इसने कंपनी के एसेट के ऊपर और कंपनी के कैश बैलेंस के ऊपर चार्ज करके डिबेंचर लिया सिक्योर ट्रेटर बन गया और बाहर वालों को इस नलायक ने कहा कि मिस्टर सालिमन को पैसा पहले नहीं मिलना चाहिए देखो क्या होता है दो टाइप के क्रेडिटर्स हो गए सिक्योर क्रेडिटर अनसिक्योर क्रेडिटर मान लेते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं या फिर मान लेते हैं कि आपको आपके बेस्ट फ्रेंड ने पैसे दिए हैं और उसने बोला कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं मैं अनसिक्योर क्रेडिटर हूँ लेकिन आपको एक अनजान आदमी ने पैसे दिए उसने कहा कि मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं करता मैं तुझे पैसे दे रहा हूं लेकिन मैं तेरे आ, तेरी महंगी रोलेक्स घड़ी के ऊपर मैं तेरा चार्ज लूंगा तो बताओ पहले पैसा किसको मिलेगा ऑफकोर्स सिक्योर क्रेडिटर को जब रोलेक्स घड़ी बिकेगी तो सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे जो बचा या फिर नहीं भी बचा तो अनसिक्योर क्रेडिटर को या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर बोलने लगे कि सोलमन मिस्टर जो सोलमन है वो भले कितने ही सिक्योर क्रेडिटर क्यों ना हो वो तो ओनर है ना वही तो सब कुछ है तो उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए उन्हीं की कंपनी है उनकी गलती है पैसा पहले हम लोग को मिलना चाहिए तो बताओ क्या होगा यहां पे बताओ क्या होगा फिर इस केस में बताओ तो कोर्ट के पास ही मामला गया और कोर्ट ने गाना गाया कौन सा गाना गाया बताइए पर्दे में रहने दो मिस्टर सैलमन को पर्दा ना उठाओ ठीक है तो उन्होंने कहा कि सुन सैलमन कितना ही ओनर क्यों ना हो वो अलग कंपनी अलग और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है और उसको पैसे पहले मिलेंगे और आपको आपको बाद में मिलेंगे तो सात हजार पाउंड वाले लोग बेचारे गए तो मिस्टर लॉर्ड मैकनोटन इनका नाम देखिए ये भी जस्टिस है चीफ जस्टिस लॉर्ड मैकनोटन ने बोला कंपनी अलग होती है उन लोगों से जो कि उसके सब्सक्राइबर टो तो मेमोरेंडम है ठीक है भले मिस्टर सैलेमन और मिस्टर सैलेमन की कंपनी के बीच में कोई डिफरेंस ना हो लेकिन लॉ की नजरों में पर्दा है पर्दा भले सेम हाथ हो जो कि प्रॉफिट रिसीव कर रहे हो भले उन्हीं का पैसा लग रहा हो लेकिन फिर भी कंपनी एजेंट नहीं होती है मेंबर्स की ना ही उनके ट्रस्टी होते हैं ये लाइन याद कर लेना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है कि क्या भाई लॉर्ड मैकनोटन ने सोलमन वर्सेस सोलमन में क्या केस दिया था मतलब क्या अपना हियरिंग दिया था ठीक है तो कहने का मतलब सब्सक्राइबर हो मेमर मेंबर हो कोई भी हो कोई भी हो वो लायबल नहीं है तो यहां पे क्या हुआ इस केस में क्लियरली स्टेब्लिश किया गया कि कंपनी सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड का अपना खुद का एग्जिस्टेंस था और जो शेयर होल्डर है मिस्टर सोलमन वो बेसिकली उनको लाइबल नहीं किया जा सकता है ठीक है और भले वो एंटायर शेयर कैपिटल ही क्यों ना होल्ड कर रहे हो भले उनके पास पूरा शेयर कैपिटल हो वन परसेंट कंपनी हो फिर भी उनको होल्ड नहीं किया जा सकता लाइबल ठीक है क्योंकि 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 ये जो पूरा का पूरा कानून है कॉरपोरेशन का ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी पे ठीक है तो कौन हिल गया तो बताओ कौन जो है हार गया कौन हारा जो अनसिक्योर्ड हार एग्जाम में डायरेक्ट केस लॉ भी पूछा जा सकता है देखो नॉट ऑल आपके पास बहुत सारे केस लॉज आएंगे तो दोस्तों आपको अब लिखना है सालमन आपने पहला लिखा अपने चार्ट पेपर पे मकौड़ा वर्सेस लॉन्द्रे इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और उसके आगे आपने टाइटल क्या लिखा होगा मकौरा में टाइटल क्या लिखा था मिस्टर एम टिम्बर वाला कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो सकता उसके आगे लिखना ठीक है अब मैं बोल रही हूँ भाई देख लो तुम लोग को लिखना है तुम लोग के पास चार्ट पेपर है नहीं है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है मैं मेहनत कर रही हूँ आपके साथ अब आप बोलोगे मेरे पास चार्ट पेपर ही नहीं है तो आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हो बताओ क्यों पढ़ो जाओ यहाँ से वहां पे आपको लिखना है मकौरा का नाम लिखो मकौरा वर्सेज नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फिर उसके आगे टाइटल लिखो तुम कि नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी अब नेक्स्ट लिखो आप लोग मको सालमन वर्सेज सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड इसमें लिखो कॉपोरेट वेल थ्योरी और कॉपेट वेल थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं कॉपोरेट वेल थ्योरी नाम है इंडिपेंडेंट कॉर्परेट पर्सनालिटी नाम है और कॉरपोरेट इंस्टोल्यूशन नाम है ठीक है चलिए अब आपको नहीं लगता कि यार कुछ फिशी हो सकता है मतलब फिशी इन द सेंस कि कुछ गड़बड़ हो सकता है यार इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया है आपको नहीं लगता कि लोग आ करके जो है इसका पर्दे का फायदा उठाएंगे बताइए पर्दे के पीछे जो मास्क है फेस फेस के पीछे जो मुखौटे पीछे का इंसान है आपको नहीं लगता वो हैवान बन सकता है वो लोगों को बर्बाद कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट इंसुलेशन के नाम पे तो अब क्वेश्चन होता है कि क्या इस पर्दे को कभी कॉर्पोरेट लॉ कोर्ट उठा सकता है क्या इस मुखौटे के पीछे के इंसान को झांका जा सकता है आइए इस वारदात को अंजाम देते हैं अब हम लोग ठीक है कैन कैन द कॉर्पोरेट पर्सनलिटी वियल बी लिफ्टेड कैन इट बी प्यर्स क्या इस पे छेद करके अंदर झांक सकते हैं होल से कि कौन है क्या चल रहा है किसका दिमाग है इस घूंघट के पीछे कौन है इस मास्क मुखौटे के पीछे कौन है बिल्कुल हाँ अगर अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ बकवास हो रहा है हमारे कानून को नहीं माना जा रहा है और मैंने जिस फायदे के लिए इन लोगों को कॉर्पोरेट व्हील दिया था ये लोग वो फायदा नहीं उठा रहे हैं ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा कॉर्पोरेट इंसुरेशन और आपके लीगल आपके मुखौटे के पीछे झांका जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब कुछ अब आप ऐसे सरकमस्टांसेस पढ़ने वाले हो जब कोर्ट जो है गुस्सा हो जाएगा और कॉपरेट विल को लिफ्ट कर देगा और जनरली ये कब होता है जब क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व होता है इसको प्लीज हाईलाइट करो दिस इज जनरली डन दिस इज जनरली डन व्हेन क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल आर इन्वॉल्व रादर देन अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज हाईलाइट इट इसका मतलब क्या हुआ भाई ओनरशिप तो है हम लोग ओनर को अलग मानते हैं लेकिन कभी कभी देखना पड़ेगा कि यार आखिरकार ओनरशिप के नाम पे कौन है जो कंट्रोल कर रहा है क्या डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है क्या डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है क्या मेंबर्स फ्रॉड कर रहे हैं आइए देखते हैं ठीक है तो इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस कोर्ट विल टेक अप द घूंघट कोर्ट विल टेक आउट द लीगल फसाट मुखौटा हटाएगा और देखिएगा कि कौन से लोग हैं जो एक्चुअल में कंट्रोल कर रहे हैं तो अब हम आ चुके हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब कब कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जब कॉर्परेट व्हील लिफ्ट हो सकता है सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज लिफ्टिंग ऑफ द कॉपरेट व्हील सो फॉलोइंग केसेज द कंपनी लॉ द कानून डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी द सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट विल कम आउट एंड डू इट्स थिंग नंबर वन मैम अगर चार सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे तो वीकली रेस्ट सब इन वीकली रेस्ट सब इन्वॉल्व होगा उसमें बेटा वीक के एंड में आप रेस्ट पूछ रहे हो कि टेस्ट पूछ रहे हो वीक में मतलब हम लोग इतना पढ़ लेंगे ना वीक में कि आप लोग को वक्त मिलना चाहिए वीक एंड पे और मुझे भी वक्त मिलना चाहिए आप लोग को वक्त मिलना चाहिए उसको एनालाइज करने का कैसे एनालिसिस करना है कैसे याद करना है कैसे प्रैक्टिस करना है ठीक है कैसे प्रैक्टिस करना है आपको अब देखो टेस्ट की बात कर रहा था वो रेस्ट की बात नहीं कर रहा था <laughs> तो टेस्ट की बात करें तो वीकली टेस्ट तो नहीं मतलब कहने का मतलब वीक का मतलब है कि जब वो मेरा जो टारगेट था ना जो दिखाया था 1.5 2.5 वीक वो जब जब खत्म होगा तब हम लोग टेस्ट लेंगे ऐसे तो ना हर हफ्ते पहले हफ्ते से टेस्ट लेना चालू कर देंगे राइट right? चैप्टर वाइज टेस्ट होगा केस लोग कैसे याद कर, केस लोग क्या क्या लिख रहे हो केस लॉ कैसे याद करना है याद करके याद करना है चलो तो नंबर वन देखो दोस्तों बहुत मजा आएगा घुस जाओ तुम अब बन चुके हो सीआईडी तुम अब बन चुके हो कौन सीआईडी अब तुमने कहा कि अब हम जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के पीछे एक्चुअल में कौन लोग हैं तो पहली बात है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी कैरेक्टर जानना चाहते हैं हम और नंबर वन में आपका आता है विदेशी लोग देखो क्या होता है ना कि कभी कभी बाहर वाले जो मतलब मानते हैं कि आई एस के लोग आते हैं कहते हैं कि यार इंडिया में ना कंपनी बनाओ और कंपनी के पीछे छुप के जो करना है करो इंडिया को चलो उड़ाते हैं बर्बाद कर देते हैं इंडिया को तो बेसिकली क्या हुआ कोई ऐसी कम, ऐसी कंट्री जो हमारी एनिमी है ठीक है हमारी एनिमी है वो आती है इंडिया में और वो आती है और वो एक कंपनी बनाती है और वो अलग हो गए कंपनी अलग हो गई अब वो लोग गलत गलत काम कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे देश के नागरिक के लिए और देश की सुविधा सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहा है हम लोग डेंजर में पड़ चुके हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट विल करेंगे तो पहला सर्कमस्टांसिस आइए पढ़ते हैं अब हम लोग ज्यादा बुक से पढ़ेंगे टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड देखो कंपनी खुद में एनिमी या फ्रेंड तो हो नहीं सकती कंपनी के जो लोग हैं चलाने वाले कंट्रोल वाले लोग जो यहां पे लिखा हुआ था कंट्रोल नॉट ओनरशिप कंट्रोल जो है वो किस देश के लोगों का है तो इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी वैसे भी कानून पता है आपको इंडिया का लॉ कहता है कि सपोज तुमने चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या फिर तुम करने वाले हो आधा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अगर चाइना के साथ हमारा वॉर छिड़ गया हमारे देश का तो वो क्या हो गया हमारी एनिमी कंट्री हो गई आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना पड़ेगा वो अब अन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप आगे नहीं ले जा सकते हो भले कुछ भी हो जाए ठीक है तो सिमिलरली इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड अब क्या होगा अब कानून क्या करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा द लीडिंग केस अब आपको नेक्स्ट लिखना है दोस्तों लिखिए डैम्बलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ऐसे लिखो डैम्बलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी उसमें आगे लिखो आप लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट व्हील डैश को एनिमी और फ्रेंड ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि बेसिकली द लीडिंग केस है इस इस पर्टिकुलर केस केस का ये लीडिंग है इसमें हुआ क्या बेसिकली इसके बारे में आपको याद नहीं करना है बुक में दिया भी नहीं हुआ है सो so बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज देर आर पीपल फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री वो यहां पे आकर के एक आ, वो लोग एनिमी है हमारे एनिमी इन द सेंस कि उनके साथ हमारा कोई वॉर चल रहा है वो लोग इंडिया में आकर के एक कंपनी खोलते हैं राइट right? नाउ इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियो पार्टी द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉपरेट सेल अब क्या हर ऐसी कंपनी जो है जो कि लेट सपोज काम कर रही है दूसरे देश की है हम लोग सबका लिफ्ट, लिफ्ट करेंगे कॉपरेट व्हील बिल्कुल नहीं अगर हम देखेंगे नंबर वन वो एक एनिमी कंट्री है और नंबर टू हमारी कंट्री जो है हमारे कंट्री के लोग डेंजर में आ रहे हैं जियो पार्टी में आ रहे हैं उस वक्त ये लोग व्हील को पर्दे को उठाएंगे ये देखने के लिए बट में इट बट इट में इट का मतलब कोर्ट बट द कोर्ट में रेंड द वेल फॉर अ सर्टनिंग वेदर कंपनी इज एनिमी कंपनी अगर कोर्ट को शक होता है कि क्या ये एनिमी कंपनी है तो वो कोर्ट को उठा देगी आई मीन वेल को उठाएगी इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव माइंड और कंसाइंस है इट के नॉट बी अ फ्रेंड और फो इट मे हाउ एवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ पर्सन तो अब आपसे पूछा जाएगा जैसे सपोज क्वेश्चन आता है कि बताओ यार कोई कंपनी एनिमी कैसे हो सकती है तो कंपनी एनिमी नहीं हो सकती है, हमें देखना है कि जो कंपनी के अफेयर्स चलाने वाले लोग हैं जो अफेयर्स पे लोग कंट्रोल कर रहे हैं क्या वो लोग लोग एनिमी कंट्री के हैं, ठीक है ठेके? और इसलिए, लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट व्हील तो नंबर वन बात समझ में नंबर टू टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स अब क्या हुआ? आपको बताती हूं इसका लिखिए दिनशा मानिक जी पति दिनचो मानेज़ी पतित आगे लिखिए लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट व्हील प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट व्हील प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स अब इसमें क्या होता है पहला समझ में आ गया अब दूसरा बात करते हैं पता है ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं दिनशा मानेज़ी जी पतीत में होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी एक कंपनी ने अपने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखे थे अब जब इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं बहुत बड़े लेवल के तो सिंपल सी बात है इन्वेस्टमेंट कर रखे तो डिविडेंड आएगा इंटरेस्ट इनकम आएगी है ना और इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम बहुत ज्यादा आ रही थी ठीक है आई इसको मैं पढ़ के बताती हूँ आपको इन्होंने बेसिकली क्या किया उस डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पे ये टैक्स नहीं पे करना चाहते थे आपको पता है डिविडेंड पे टैक्स लगता है आप आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है आपकी कोई भी इनकम है आपको आपको टैक्स देना पड़ेगा अब दिनशा मानिक जी भैया को ये टैक्स देना बहुत खल्ला था इन्होंने पता है क्या किया इन्होंने एक नई कंपनी खोली झूठी मोटी कंपनी खोली उस कंपनी के शेयर खरीद लिए हाँ और उसका पैसा कहां से दिया जो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आई वो वाला पैसा वो इनकम वहां ट्रांसफर कर दी और बोला मेरे पास तो कोई इनकम है ही नहीं

बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत सारा मेरे को ब्याज मिलता है और मेरे ऊपर बहुत सारा टैक्स लगने वाला था तो मैंने क्या किया मैंने एक कंपनी खोली मैंने झूठी मोटी कंपनी खोली उन झूठी मोटी कंपनी के शेयर मैंने खरीदे और जो मेरी डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम थी ना उससे खरीद लिया सो so बेसिकली क्या होता है ना बच्चों अगर आप लोग टैक्स पढ़ने जाओगे तो लेट सपोज मैंने अभी प्रॉपर्टी बेची प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा 30 परसेंट टैक्स लगता है लेकिन सरकार कहती है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी के पैसे से जो आपको मिला पैसा बेचने पे उससे अगर आप तुरंत एक घर खरीद लो तो आपका टैक्स माफ हो जाएगा तो दिनशा मानक जी प्रत ने उसी का फायदा उठाया उन्होंने कहा कि वहां से मेरे को डिविडेंट इनकम मिल रही है और इस डिविडेंट इनकम को अगर मैं अपने पास रखता हूँ तो टैक्स लग जाएगा ऐसा करते हैं कि इससे कुछ और खरीद लेते हैं तो ये किसी और को पैसा देना नहीं चाहते थे ये बोलते हैं चलो मैं दिमाग लगाता हूं ऐसा करता हूँ किसी और को क्यों दू टैक्स भी बचाऊंगा किसी और को दूंगा भी नहीं ऐसा करता हूँ कि एक झूठी मोटी कंपनी खोल लेता हूँ उसके शेयर खरीदता हूँ वो कंपनी मेरी ही है तो इन्होंने झूठी मोटी कंपनी खोल ली और अपनी डिविडेंड इनकम को वहां पर ट्रांसफर कर दिया और उस झूठी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और फिर वापस से क्या हुआ वो पैसा इनके पास कैसे आता है इनके अकाउंट में इन्होंने उससे लोन ले लिया दिमाग दिख रहा है भाई साहब जब तुम लोग सीए इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ोगे ना ऐसी मजेदार चीजें रहेंगी तो इन्होंने क्या किया इन्हों, इनकी इनकम आई एक करोड़ रुपए डिविडेंड से इन्होंने झूठी कंपनी खोली उसके शेयर खरीदे इसको पैसे दिए अभी झूठी कंपनी थी इस झूठी कंपनी ने वापस दिन जी को लोन दे दिया पैसा वापस मजा आ गया टैक्स बच गया तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कोर्ट ने कहा अच्छा बेटा तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो रेवेन्यू और टैक्स को यू आर प्रोटेक्टिंग योर रेवेन्यू एंड टैक्स बाई यूजिंग ऑल दीज स्कैम डिसाइडेड दिस प्राइवेट कंपनी इज मेड बाई मिस्टर झूठी मक्कार कंपनी थी एंड द कॉपरेट व्हील विल बी लिफ्टेड टू डिसाइड हु इज द रियल ओनर हुई दोस्तों तो ये आपने सेकेंड बात पढ़ लिया है अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लीगेशन अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन में फटाफट से लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ये कैसे याद होगा ये कैसे याद होगा? एक कंपनी है कंपनी का नाम है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड तो ये कंपनी है और इसका केस छिड़ा इसके वर्कमैन के साथ ठीक है अब क्या हुआ यहां पे बेसिकली एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि भाई जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं कंपनी को प्रॉफिट्स में से अपने वर्कमैन को बोनस देना होगा ठीक है अब ये मत पूछो कि मैम कहाँ का लॉ है क्या है इससे आपको मतलब नहीं है तो कंपनी जो है कंपनी को खल रहा था कि मैं इन नालायक वर्कमैन को बोनस क्यों दूं तो कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहती थी बेसिकली ये लॉ था कि आपको बोनस देना पड़ेगा बोनस एक्ट के हिसाब से आपको अपने वर्कमैन को बोनस देना है ये लीगल ऑब्लिगेशन थी कानून कहता है अब उसने सोचा एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने बोला एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट दिखाएंगे ही नहीं ना रहेगा प्रॉफिट और ना देना पड़ेगा बोनस तो इन्होंने क्या किया आइए पढ़ते हैं द फैक्ट ऑफ द केस आर दैट ए लिमिटेड ए लिमिटेड का मतलब एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ बी लिमिटेड बाई इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ चार लाख पचास हजार द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ़ कंपनी ईयर आफ्टर ईयर इट वॉज टेक इन अकाउंट फॉर द पर्ज ऑफ कैलकुलेटिंग बोनस पेबल टू वर्कमेन सम टाइम इन सिक्सटी एट

हंड्रेड परसेंट शेयर होल्ड करता था सी लिमिटेड का तो वो होली ओन सब्सिडरी हो गई सी लिमिटेड अब क्या किया इसने अपनी पूरी की पूरी डिविडेंड इनकम को किसको दे दिया बेसिकली जो इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था शेयर्स ट्रांसफर कर दिए बात समझ रहे हो समझो इस बात को एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने सारे के सारे शेयर्स जिस पे अच्छी खासी इनकम आती थी उस शेयर को ही ट्रांसफर कर दिया अब शेयर ही नहीं है तो शेयर की इनकम इनके पीएल में आ ही नहीं रही है तो इनका अपने आप बोनस पे करने के लिए प्रॉफिट रिड्यूस हो गया लेकिन क्या ये सही है बताइए क्या ये सही है बिल्कुल गलत है लॉ ने बोला कि आप लोग जो है आप लोग जो है, है अवॉइड कर रहे हैं एक लीगल ऑब्लिगेशन को यू आर अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन और आप स्कैम कर रहे हैं आपने एक होली ओन्ड सब्सिडरी आपने एक होली ओन्ड सब्सिडरी को Uh, जो है बनाया और ट्रांसफर कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट जिससे कि आपकी लाइबिलिटी कम हो जाए आप बहुत मक्कार हो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये फ्रॉड है सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त बोला कि मैं यहां पे अब पिघलूंगा नहीं मैं जो है ममता के नाम पे तुम लोगों को सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट देता था और तुम लोग तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया तुम लोग ऐसे गलत गलत काम कर रहे हो कभी जो है तुम लोग uh, बेसिकली एनिमी कंपनी बना रहे हो कभी कभी तुम लोग रेवेन्यू और टैक्स प्रोटेक्ट कर रहे हो कभी कभी तुम लोग लीगल ऑब्लिगेशन को ही चंपत कर दे रहे हो तो हम क्या करेंगे हम लोग ये जो आपने तीसरी पैसा आपका ही है देर इज नो सेपरेशन बिटवीन दिस कंपनी एंड दैट कंपनी देर इज नो द ट्रू ओनर अरे भाई फिर से समझाना पड़ेगा भाई जान ले लो तुम लोग देखो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड है जिसको हम लोग प्यार से बुलाएंगे ए लिमिटेड ए लिमिटेड के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे बी लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी थी बी लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड होल्ड करती थी तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि इनकम भी मिल रही होगी वहां से इंटरेस्ट इनकम मतलब डिविडेंड इनकम तो ये डिविडेंड इनकम बहुत ज्यादा मिल रही थी तो ये किसके पीएल में आ रहा था ये आ रहा था ए लिमिटेड के पीएल में अच्छा खासा अब लीगल ऑब्लिगेशन थी कि जितना आपका प्रॉफिट आ रहा है उस पर आपको बोनस देना पड़ेगा वर्कमैन को जो आपके वहां काम करता है स्टाफ तो ए लिमिटेड ने कहा कि यार ये लोग तो वैसे भी नालायक हैं काम नहीं करते इनको मैं सैलरी दे रहा हूं कम है क्या कि मैं अपने मैंने जो अपनी मेहनत से दिमाग लगा करके इन्वेस्टमेंट किया है बी लिमिटेड में मुझे उसका पैसा मिला तो मैं इन लोगों को क्यों दो ऐसा करता हूँ और कानून तो मेरे को करने देगा नहीं तो इसने क्या किया इसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कंपनी खोलते हैं तो ए लिमिटेड ने एक और कंपनी खोली तो कौन ओनर है यहाँ पे मेन ओनर कौन है मेंबर अलग कंपनी अलग मेंबर अलग कंपनी अलग यहां पे मेंबर कौन है ए लिमिटेड मेंबर है होली मेंबर है हंड्रेड परसेंट और उसकी कंपनी कौन खोल दी सी लिमिटेड इसने क्या किया इसने क्या किया इसने पूरी की पूरी अपनी शेयर होल्डिंग को जो बी लिमिटेड में ए लिमिटेड की शेयर होल्डिंग थी मान लो तो बी लिमिटेड रिलायंस है तो रिलायंस की शेयर होल्डिंग उसने सी को दे दिया और उसने बोला मैं अलग मेंबर अलग ऐसे कर दिया उसने तो अब जो इनकम थी वो किसके पास जा रही है ए के पी एल में आई नहीं रही है चंपत गायब वो बी वो सी में आ रही है तो क्या वर्कमैन कॉम्पेसेशन देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा तो ये वाली बात है समझ में आ गए यश मैं एक मिनट में आ रही हूं आंटी कर आप पहले तो समाहित करिए और नाम लिखवाइए क्राउड में गाइज नींबू पर चले गए थे पहले में दिखे गाइस आप लोग एक मिनट रुक जाना हां समझ में आ गया काटिए ऐसा करिए आप आपका भी हिसाब करना है ये डालना है ना हमको कल दे देना कल की परसों दे दीजिएगा परसों दे दीजिएगा देखिए आप ऐसा करिए आप अपने हिसाब से सब्जी करेंगे ले आइए चिकन प्याज अधिक चाटा खाएंगे ठीक है आप ऐसा करिए कि आप तो एक ब्रेड ले आएंगे ब्रेड ले आइए और इधर मिलता है ना मेट आलता है और इनके वहाँ से आप ले आइए आलू आलू है अपने पास आलू तो नहीं है तो प्याज ले आइए पाव भर आलू में उनके पास आलू रहता है उनके पास है ना आलो रात को सामान लेकर देंगे और आप सैंडविच बना दीजिए ठीक है सैंडविच रखिए

ये सी लिमिटेड किसकी कंपनी अरे मेरे प्रभु मैं कंपनी हूँ मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उससे मेरे को इनकम मिल रही है इस इनकम के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट वो देना पड़ता क्या बात करते हैं उसको वर्कमैन को देना पड़ता तो मैंने एक दूसरी कंपनी खोली सी लिमिटेड वो मेरी कंपनी है वो ए लिमिटेड कंपनी है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड की एक झूठी फर्जी कंपनी है सी लिमिटेड उसने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है उसने सोचा कि इसको दे देंगे तो वो अलग मैं अलग अब जो पैसे आएंगे उस इन्वेस्टमेंट से वो सी में आएंगे बात समझ में आ गई ना हो तुम लोगों ने सैंडविच भी सुन लिया ठीक है ना आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ सैंडविच खिलाती हूँ तुम लोगों को बस हो गया ठीक है तो आप लोग ये पढ़िए और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बस इतना और बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों आलू टमाटर सब दे सुन लिया तुम लोगों ने लाइको को ओके नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट व्हील अभी कोर्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ है कोर्ट ने कहा है कि मैं ममता के नाम पे इन लोगों को इतना अच्छा मौका दे रहा था इन लोगों ने तो हद कर दी है अभी भी सुनो अभी भी कुछ वक्त बचा हुआ है कुछ और अभी भी फ्रॉड करने वाले लोगों का फ्रॉड खत्म नहीं हुआ है अब लोगों ने कंपनी फॉर्म करना शुरू किया अपने एजेंट के तौर पर क्या हुआ एक कंपनी है फटाफट से लिखिए अपने चार्ट पेपर पे मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन लिखिए उसके आगे लिखिए लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट व्हील फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एजेंट एजेंट लिख दो सब्सिडरी एजेंट क्या हुआ यहां पे कि एक कंपनी थी मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और एक थी ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन तो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन क्या करता था ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन बेसिकली एक कमीशन uh, है बॉडी है जो कि आपको uh, ट्रक वगैरह चलाने के लिए लाइसेंस देता है तो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी थी जो कि बहुत बार कोशिश कर रही थी उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा था भाई कोई दिक्कत हुई होगी उसको अपने नाम पर लाइसेंस नहीं मिला था तो इसने क्या किया इसने कहा कि यार ऐसा करते हैं एक सब्सिडरी कंपनी बनाते हैं देखो बेटा सब्सिडरी कंपनी का मतलब पता है क्या होता है फॉर एक्जाम्पल मैं ऑलरेडी एक कंपनी हूँ और मैं दूसरी कंपनी बना रही हूँ और उस दूसरी कंपनी में मैं 50 परसेंट से ज्यादा शेयर्स मेरी कंपनी होल्ड कर रही है तो वो कंपनी सब्सिडरी हो गई और मैं क्या हो गई होल्डिंग कंपनी तो मैम एक कंपनी दूसरी कंपनी बना सकती है बिल्कुल कंपनी तो कुछ भी कर सकती है ना कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना कंपनी तो कुछ भी कर सकती है है ना तो वो कंपनी होल्डिंग हो जाएगी दूसरी कंपनी सब्सिडी हो जाएगी तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि यार बड़े बदतमीज हैं ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाले हम लोग का लाइसेंस कैंसिल कर दे रहे हैं तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं कि 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 एक दूसरी कंपनी खोलते हैं नई स्टार्टिंग करते हैं उसके नाम से अप्लाई करते हैं तो इन्होंने दूसरे नाम से अप्लाई किया और जो आपको बेसिकली क्या किया है? कि इन्होंने अपने व्हीकल्स को उसको ट्रांसफर कर दिया अपने ट्रक को रिक्शा को उनको ट्रांसफर कर दिया और उन्होंने बोला कि वहां से हमको लाइसेंस मिल गया है वहीं से काम करेंगे आखिरकार तुम ही कर रहे हो ना तो अब क्या हुआ यहां पे कोर्ट ने बोला कि सुनिए आप सब्सिडरी फॉर्म कर रहे हो वो सब्सिडरी खुद कुछ काम नहीं कर रही है जो आप कह रहे हो वो करे वो आपकी मेयर एजेंट है और यहां पे भी हम लोग कॉपरेट व्हील को लिफ्ट कर देंगे बिकॉज यू एंड योर सब्सिडरी आर वन कॉमर्शियल यूनिट यू आर नॉट सेपरेट जो आप कह रहे हो वो कर रहा है वो आपके बिहाफ पे गाड़ी चला रहा है वो आपके पे एजेंट वाला लाइसेंस ले रहा है समझ में गई बात दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इन सबके अलावा इन सबके अलावा कोर्ट कहता है कि अरे भैया कितना हम लोग एक्सेप्शन डालें कॉपरेट वेल का तो आप लोग तो क्या पढ़े हो आप पढ़े हो एक्सेप्शन टू कॉपरेट वेल थ्योरी कॉपरेट वेल थ्योरी कहता है कि पर्दा है पर्दा एक्सेप्शन कहता है पर्दे को उठाओ तो कोर्ट ने कहा भैया कितना एक्सेप्शन डालें सरदर्द हो गया है इन लोगों का जो फ्रॉड है वो कम ही नहीं हो रहा तो इन्होंने क्या कहा बोला कि पांचवा पॉइंट डाल दिया इन्होंने कहा कि वेन कंपनी इज फॉर्म्ड टू डू फ्रॉड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ हम जो है हम जो है पर्दे को हटा देंगे तो यहां पर आपको लिखना है मोटर मोटर तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ था फ्रॉड हुआ था इसके बारे में आपको याद नहीं करना है बट मैं आपको बता देती हूँ तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था ना कि एक बंदे को मतलब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया आपने कुछ भी फ्रॉड किया बंदे के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर लिया कि यार मैं तुमको ना अपना लैंड ट्रांसफर करूंगा एक करोड़ रुपए में कल को आपको कोई और बंदा मिला जो कि आपके लैंड के लिए आपको दो करोड़ देने को तैयार है अब आपने क्या किया अब आपको फ्रॉड सूझा आपने कहा ऐसा करते हैं कि मिस्टर बी ऐसा करते हैं ना कि देंगे नहीं उसको एक दूसरी कंपनी है उसके नाम पर ट्रांसफर कर देते हो कल को बोलेंगे मेरा लैंड है ही नहीं बात समझ रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो यू आर इनकॉपरेटिंग अ कंपनी टू अडॉप्ट सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पज टू डिफीट द लॉ टू डिफ्रॉड द क्रेटर्स टू अवॉइड सम अदर ऑब्लीगेशन ठीक है तो यहां पे आपने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अब आपको पता है कि कल को आप उसको लैंड नहीं बेचोगे तो वो आपको कोर्ट में घसीट के कर जाएगा इंडियन कॉन्ट्रेक्टर के हिसाब से तो अब आप ऐसा फ्रॉड कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि अब उसको चलो इसको ऐसा बोलते हैं रोते हैं उसके सामने जाकर के है, बोलते हैं कि यार वो तो लैंड मेरा है ही नहीं वो तो लैंड इस कंपनी का है वो सब्सिडी तुमने खोल रखी है राइट right? तो गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेज हॉर्नी बात समझ में आ गई तो आज यहां के लिए इतना रखते हैं दोस्तों मिलते हैं रात में अपनी अकाउंट की क्लास में ठीक है बताओ मजा आ गया अब आप लोगों को क्या करना है आपका होमवर्क क्या है अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे आज फिर हम लोगों ने बैकग्राउंड दिया तो थो, थोड़ा लंबा टाइम लग गया दोस्तों अब आप लोगों को कल तक यहां पूरा याद करके आना है याद रहेगा एवरीबॉडी और आज आप सभी के लिए झक्कास झक्कास वीडियो में डालने वाली हूं यूट्यूब पे और जाते जाते एक बार वेबसाइट देख लो जो बच्चे अभी आए हैं ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग बहुत ही नॉर्मनल प्राइस पे आपको क्लासेस देते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो कि हमारी क्लासेस कैसी हैं खैर उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया है हम आपको डाउट सपोर्ट भी देते हैं चौबीस घंटे के अंदर आपके डाउट्स के आंसर आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स के और इसमें आपको हम लाइव क्लासेस देते हैं दो सब्जेक्ट की और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देते हैं और अभी क्योंकि YouTube पे अवेलेबल है इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को अपलोड करने पे दिमाग नहीं लगा रही हूँ बहुत सारे काम है मेरे पास आपको वरना एक हफ्ते बाद से आज क्लास हुई कल रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी तो YouTube पे चल रहा है विद इन वन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ही और बाकी आपका साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी ठीक है और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है अग्रिका खतरी वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ अगर आप में से कुछ लोग जो है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप स्किल 91 वन पर जा करके मेरा ये कोर्स अभी लॉन्च हुआ है इसका प्राइस हम लोगों ने अभी बहुत कम रखा है क्योंकि लॉन्च प्राइस है ठीक है तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्लब मैंने लॉन्च कर दिया अगर आपको साथ साथ में मतलब पढ़ाई करते करते आपको लगता है कि यार कॉलेज तो जा नहीं रहे हैं चलो कुछ इम्प्रूव इंप्रोवाइजेशन करते हैं तो मैं यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट डालती रहूंगी अभी तो क्योंकि लॉन्च हुआ है तो कुछ कॉन्टेंट अवेलेबल है ये एक साल तक आपके पास रहेगा और मेरे लाइव सेशनस का आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा हम साथ में मिल करके आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव करेंगे इसके लिए आप स्किल नाइन्टी जा सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स क्लब मेरा ज्वाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग भी आप सीख सकते हैं ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बताइए कोई दिक्कत परेशानी बेटा मोनिका अभी क्लास ना चली नहीं रही है आप क्लास में इसलिए नहीं हो क्योंकि आज एक टेक्निकल ग्लिच आ गया है बाकी सारे बच्चे क्लास में रहेंगे मैं अभी टीम से बात करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है बेटा एल का भी देखते हैं क्या करना है वैसे भी हम लोगों ने एल का पेमेंट आपसे लिया ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट एल की फीस हम लोगों ने डिडक्ट कर दी थी हाँ जी और बताइए क्या समझ में नहीं आया आपको क्या समझ में नहीं आया फटाफट -फड़ से बताइए और जितने बच्चे कोर्स के हैं उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई है तो डिस्कशन फोरम पर डाल सकते हो बीसीआर की रिकॉर्डिंग मेरी है बीसीआर इज नॉट लाइव दैट से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाय टेक केयर अच्छा नोटिफिकेशन नहीं मिला ठीक है देखते हैं बात करवाते हैं वैसे बेटा आप नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है हमारा टाइम तो फिक्स ही है आठ बजे आठ बजे तो कोई नोटिफिकेशन की दिक्कत ही नहीं है बाकी कुछ दिन स्टार्टिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है वो धीमे धीमे सही हो जाएगी ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है आज बहुत मज़ा आया है ना चलिए जी बाय गाइस टेक केयर हां पोल डालती हूँ बेटा छः बजे पहले मैं खुद तो उठना सीखूं पता चला तुम लोग की क्लास लगी हुई मैं सो रही हूं घर आटे मार के बाय सी यू ऑल टेक केयर अच्छे से मेहनत करो जाकर के सारे बच्चे और मैं आज तुम लोगों के लिए एक नवंबर की स्ट्रेटजी डालती हूं ठीक है सब्जेक्ट वाइज अकाउंट्स की देख लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बाय लव यू ऑल टेक केयर